गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयाल वे लो अतुलित बल धामं हेम शैलाभ दे धनुजवन कृशा ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधान वानराणामदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतकम्।
मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवोसो दश जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मना जासु कृपा नीर मलमति पावो। ताके जुग पर कमल मनावो जासु कृपा हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। पटपीत माधव करी करुचि सुचि नौमि जनक सुता। श्री राम श्री राम
जननी गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। भगवती गंगा मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। भगवती तुलसी महारानी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि Yeah.
जय गंगे भैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अमृत महोत्सव के शुभारंभ पर परमार्थ आश्रम के पवित्र प्रांगण में
विश्वविख्यात स्वामी श्री चिन्मानंद जी चिदानंद जी महाराज की सानिध्य में उनके आशीर्वाद से और परम पूज्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा जी भारती जी के सानिध्य में पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज के आशीर्वचन से आज राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस पुनीत पर्व पे मैं मुनिश्री से निवेदन करूंगा और साध्वी जी से निवेदन करूंगा कि महामंडलेश्वर से निवेदन करूंगा कि आप दीप प्रज्वलित करके आज की कथा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्रदान करें इस पवित्र प्रांगण के अंदर। जय गंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर् दीपोयं हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। एक बार सभी परिवार के सदस्य साइड में पधार जाएं। अब स्वामी जी का और महामंडलेश्वर का माल्यार्पण किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा श्री ओम प्रकाश जी सोमानी साहब को जो बेंगलोर से पधारे हैं। आप स्वामी जी श्री मुनि जी का स्वागत करें माल्यार्पण पहना के। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं इसे अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा कि जो यहाँ पे नए आए हैं उनको ये जानकारी देते हुए कि हमारे मुनिश्री स्वामी जी महाराज परमार्थ के आश्रम के प्रणेता विश्वविख्यात क्यों हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब टाइम स्क्वायर में थे अमेरिका में तो आपको स्वामी जी वहाँ पे दर्शन देते हुए दिखे। वेम्बली में भी जब स्वामी जी नरेंद्र मोदी जी पधारे लंदन में तब भी स्वामी जी वहाँ थे और हर छोटे से छोटे शपथ ग्रहण से लेकर हर बड़े आयोजन में स्वामी जी का आशीर्वाद सभी गणमान्य नागरिकों को देश विदेश के लोगों को मिलता है। और अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी स्वामी जी के इस आश्रम में पधारे और स्वामी जी को आशीर्वाद दिया, हम सबको दिया। ये एक परम सौभाग्य की बात है कि हम इस प्रकार के एक विश्वविख्यात स्वामी जी के सानिध्य में आज अमृत महोत्सव के शुभारंभ पे और महाराष्ट्र जी के मुख अरविंद से हम ये कथा सुनने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अमृत महोत्सव के प्रणेता हमारे प्रिय श्री सूरजपान जी सोमानी साहब, श्री आशीष जी सोमानी के पिताश्री अभी महामंडलेश्वर भारती जी का स्वागत करेंगे। जल्दी कर दी आपने। अब मैं उस परम सुखद क्षण का अनुभव करने जा रहा हूं और आप सबको भी उस सुखद क्षण का आनंद मिलेगा।
स्वामी जी के सानिध्य में आज सुबह हमने हवन किया, बहुत अद्भुत था। अब मुनिश्री स्वामी जी साहब से निवेदन है कि आप अपने मुखारविंद से आशीर्वाद वचन प्रदान करें और इस अमृत महोत्सव के शुभारंभ का के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। स्वामी जी महाराज, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो स्तुते। नारायणी नमो स्तुते, ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय।
सर्वेश्वर भगवान की गंगा मैया की भारत माता की धरती माता की हर हर महादेव मंच पर विराजमान पूज्यपाद भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर भारतीय संस्कृति को हर पल जीने वाले और उसी के माध्यम से जनमानस को जगाने वाले मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय राधा कृष्ण जी महाराज की पावन पवित्रता साधना को और इस व्यासपीठ की पवित्रता को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी विनोद अजमेरा जी और प्रिय यजमान परिवार मातृशक्ति प्रिय संगीतकार वृंद प्रिय ऋषि कुमार वृंद आचार्य वृंद मेरी प्यारी बहनों और भाइयों कितना प्यारा अवसर है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कथा बुक कर ली और सच तो यह है कि कथा ने हमें बुक कर लिया। ऐसा लगता है कथा हमने बुक करा ली लेकिन सच तो यह है कथा ने हमें बुक कर लिया। आज के दिन वो ऐसा दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये पावन दिवस जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ वो सृष्टि दिव्य बनी रहे भव्य बनी रहे उस परमात्मा ने अपनी कृपा वर्षा सदैव बरसती रहे इसका भी हमें सौभाग्य प्रदान किया और ये माध्यम है उस कृपा वर्षा को अनुभव करने का उस करुणा को अनुभव करने का। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा खर्च करें तो कथा हो जाएगी। सच तो माने यहाँ तो खुद को खर्च करने के लिए आए हैं। जब व्यक्ति खुद को खर्च कर देता है खुद को समाज की सेवा में लगा देता है तभी ये कृपा उतरती है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम ये जो भाव है शिष्य भाव से बैठकर उस व्यास भगवान के चरणों में शिष्य भाव से बैठे समर्पित भाव से बैठे शाधि माम त्वाम प्रपन्न भाव से बैठे। प्रपन्नता ही जीवन में सच्ची प्रसन्नता लाती है। प्रपन्नता ही जीवन में सच्ची संपन्नता लाती है। तो जीवन प्रपन्न बने तो जीवन प्रसन्न बने और फिर जीवन संपन्न बने। संपन्नता आ भी जाए लेकिन प्रसन्नता ना हो तो जीवन व्यर्थ है। बात बनेगी नहीं सब सेट होगा लेकिन खुद अपसेट रहेंगे। आज यही हो रहा है समाज में टी सेट टीवी सेट सोफा सेट सोलिटेयर सेट साड़ी सेट बड़े बड़े हम लोगों की अलमारियों के वार्डरोब्स भर जाते हैं सब सेट है। इवन दीवारें सेट हो जाती हैं बड़ी बड़ी पेंटिंग
बाथरूम सेट, ड्राइंग रूम सेट, लिविंग रूम सेट, किचन सेट, सब सेट, लेकिन सेट करते करते कभी ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ. जीवन खुद अपसेट हो जाता है और रहता है. जिससे पूछो, जो भी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, भाषा अलग अलग है. मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ महाराज जी, और जहाँ भी जाओ, कैन यू डू समथिंग कि आई कैन हैव ए पीस, शांति की तलाश. एकदम मुझे याद है कि परम पूज्यपाद स्वनाम धन्य, उनका नाम लेकर भी अपनी वाणी पवित्र हो जाती है, पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज. एक मैं अमेरिका से वापस लौटा, उन्होंने मुझे बुलवाया, बोले बुलवाया, मैं आया. विषय कुछ थे, गऊओं के लिए था, भ्रूण हत्या के लिए था, और कई बातें उन्होंने की, पर्यावरण की बात थी, गंगा स्वच्छता की बात थी. फिर उन्होंने पूछा, जब बाहर जाते हो करते क्या हो, कौन सा मंत्र बताते हो? मैंने कहा आप ही का. बोले कौन सा? मैंने कहा शरणागति. शांति यदि मिलेगी तो शरणागति के अलावा मिल नहीं सकती, और ये केवल प्रभु के चरणों में नहीं, एक दूसरे की भी शरणागति ऐसी हो, एक दूसरे के लिए भी ऐसा समर्पण हो, एक बार हो गए, फेरे ले लिए, तो जन्म जन्म के फेरे मिट जाए, चाहे वो ठाकुर के साथ हो. शुरुआत इन फेरों से होती है, लेकिन ये फेरे, जन्म जन्म के फेरे मिट जाएं, मारो चुड़ लो, अमर हो जाए. इसलिए है ये शादी केवल दो व्यक्तियों का संगम नहीं है, दो परिवारों का संगम नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है जो एक हो जाती है. और उस एक को पाने के लिए, ताकि ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक, यही सार है जीवन का, और यही कथा का सार है. इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है. बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपको महाराज श्री ने स्वीकृति दी, कृपा की आपके ऊपर. और आज के दिन की शुरुआत, जिस दिन सृष्टि शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का दिन अगर चुना, कोई आज का दिन चुना, लेकिन अब हमारी सृष्टि कैसी हो. एक है ईश सृष्टि, एक है जीव सृष्टि. पंचदशी में इसका बड़ा प्यारा वर्णन है. तो ईश सृष्टि तो हम देख रहे हैं रोज, कितनी प्यारी सृष्टि है, इतने प्यारे प्यारे पहाड़, इतनी सुंदर प्यारी गंगा, इतने पेड़, इतना प्यारा चांद, इतना प्यारा सूर्य, थकते ही नहीं, रुकते ही नहीं. ना रुकना सीखा, ना थकना सीखा, ना टूटना सीखा, और ना रूठना सीखा. कभी रूठे ही नहीं कि तुम गंदगी करते हो तो मैं नहीं बहूंगी. नो वेकेशन, कोई वेकेशन ही नहीं ली गंगा जी ने जब से चलने लगी. और इन्हीं हमारे इन दिव्यताओं से ही हमारे देश के यशस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने सीखा कि वो खुद भी इसलिए रुकते नहीं है. नो वेकेशन, कभी छुट्टी नहीं ली, जब से लगे हुए हैं और लगे ही रहेंगे. ये हमारी संस्कृति है, यही संस्कृति है. इसलिए मेरी सृष्टि कैसी हो, बस इस कथा के पावन सानिध्य में, इन पवित्र चरणों में बैठकर हर पल श्रवण करेंगे. घर जाएंगे तो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, और शाम को गंगा जी की आरती करेंगे, और फिर शाम को बैठकर ध्यान करते हुए अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे. वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस आर इन पीसेस. अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे इसके ऊपर कभी फिर. लेकिन आज समय की मर्यादा इतना ही करना है कि मेरी बैलेंस शीट इस कथा के माध्यम से ऐसी बने, और फिर कथा की पूर्णा होती हो, पूरी की पूरी बैलेंस शीट ठाकुर जी के चरणों में रख दें. यही जीवन की धन्यता होगी. खुद को देखें, खुद को तलाशें, खुद को तराशें. कैसे तराशें, कैसे तलाशें, इसकी चर्चा फिर करेंगे. लेकिन अभी इतना ही कहूंगा कि आज का दिन इसलिए प्यारा है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र
मर्यादा पुरुषोत्तम जी का राज्याभिषेक जब हुआ वो भी आज ही के दिन हुआ, और बहुत सारी चीजें आज के दिन हुई लेकिन बाद में। लेकिन इतना कहूंगा कि उनसे हम इतना तो सीखें, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः, क्या बात है, क्या चरित्र है कि प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः। राज्य तिलक होने जा रहा है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, बस सीट पर बैठने और तिलक को हो जाना है। इससे पहले कि तिलक हो, एक दूसरी सूचना मिलती है और वनवास जाना पड़ता है। लेकिन तिलक की सूचना थी तो, अभिषेक की सूचना थी तो, और प्रस्थान की सूचना है तो, वो भी वन गमन है, वन प्रस्थान है, वो भी वलकल वस्त्र पहनकर। आप सोचिए तो सही, उसके बाद जो प्रसन्नता बनी रही है, जगत गुरु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बस वैसी ही प्रसन्नता जो ना पाने की प्रसन्नता है ना खोने का दुख है, विषाद है, एक तरफ विषाद है तो एक तरफ प्रसाद है, उन दोनों से कोई प्रभाव नहीं है उसका, और वो प्रसन्नता बनी हुई है। भगवान करे इस कथा, दिव्य कथा के माध्यम से, आपके पावन सानिध्य के माध्यम से, इस व्यासपीठ की पवित्रता के माध्यम से वो प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। लेकिन उसका एक ही सूत्र है, प्रपन्नता, प्रपन्नता, प्रसन्नता और फिर संपन्नता। बस आइए अपने को समर्पित करते हुए प्रभु की शरण, प्रभु के चरण और उनका ही आचरण। केवल उच्चारण ना हो शब्दों का, उनका आचरण, उच्चारण और आचरण दोनों साथ साथ चलें। गंगा के ये दो किनारे साथ साथ चलें, लेकिन भीतर अगर बहती हो तो प्यार की गंगा, भक्ति की गंगा, शांति की गंगा हमारे जीवन में बह सके। इस भाव से आइए हम स्वयं को प्रपन्न करते हुए शरणागति के उस घाट पर ले चलें जहां हम सबका जीवन धन्य और कृतार्थ हो सके। समय की मर्यादा को भी प्रणाम करता हुआ मैं हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी का भी मंच पर सबकी ओर से सम्मान करता हुआ, और माँ गंगा का ये पावन तट, जब जब भी अभी ये पहली कथा हो रही है, उसके बाद कोरोना ने अपना रंग दिखाया, उस रंग ने क्या क्या दिखाया, क्या क्या नहीं दिखाया, और फिर क्या दर्शन दिया उस कोरोना ने, कैसे वो राजदूत बनकर भी आया, रामदूत बनकर भी आया, प्रकृति दूत बनकर भी आया, और उसके ने जो बहुत कुछ नहीं कर पाए उस कोरोना ने बहुत लोगों को समझा दिया। पूरे विश्व के लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सोचने लगे हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी, इसकी चर्चा अगले दिनों में कभी करेंगे। लेकिन आइए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, फिर महाराज श्री पधारे हैं, उनको भी कुछ और कार्य भी है, हम लोग बैठे हैं, वो करते हुए मैं महाराज श्री से प्रार्थना करूँगा, आपके भाग्य की सराहना करूँगा कि आपने अपना तन, अपना मन और अपना धन, जो अब धन लगाकर नहीं अपने तन को भी लगाया, मन को लगाकर बैठे, तो सच मानिए ये कथा कुछ अलग कथा होगी। ये कोरोना व्यथा से कृष्ण राम, श्री राम की कथा, श्री कृष्ण का भी संगीत बीच में आएगा, सारी चीज़ें बीच में आएंगी, एक कोरोना से करुणा की ओर हमें बहाकर ले जाएगी। इसलिए करुणा ये कथा को लेकर आई है, ताकि करुणा के संतप्त हृदय की पीड़ा दूर हो और जीवन प्रभु की प्रेरणा से हम सबका पाथे बन सके। ओम शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। परम कृपालु, परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्री रघुनाथ
श्री पंडरीनाथ, भगवान केदारनाथ, बद्री विशाल भगवान, भगवती गंगा मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबको जिनके सानिध्य में जिनकी पावन उपस्थिति में आज यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद श्री मुनि जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पधारी हुई पूज्या महामंडलेश्वर श्री अन्नपूर्णा भारती जी को भी मैं दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम संत श्री तुलसीदास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। पूज्य मुनि जी महाराज ने हम सबको आज के दिन का महत्व बताया। सृष्टि का आरंभ दिन है, और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिनका हम लोग मंगलमय स्तवन इन दिनों में करने वाले हैं, उनके राज्याभिषेक की तिथि है। हम सबके हृदय में यह भाव तो बरसों से है, हमारे पूर्वज भी यही भाव रखते गए और हम लोग भी ये भाव रखते हैं, और देश के करोड़ों लोग ये भाव रखते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो। अब राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, यह तो व्यवहारिक रूप में पूज्य मुनि जी महाराज सबसे सुंदर बता सकते हैं। हमारे उद्घोषक महोदय महाराज जी के लिए कह रहे थे कि ये इसलिए विश्व विख्यात हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अमुक स्थान पर गए थे वहाँ आप थे, अमुक स्थान पर गए थे वहाँ आप थे। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूँगा कि इसलिए महाराज जी विश्व विख्यात नहीं हैं, ये जहाँ पर होते हैं पूरा विश्व वहाँ पहुँचता है, इसलिए ये विश्व विख्यात है। माँ गंगा के पावन तट पर पूज्य महाराज जी के सतसंकल्प से देश का प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक से लेकर के और देश का अंतिम नागरिक तक यहाँ पर आता है, ये पूज्य महाराज जी का सतसंकल्प और तप है। कृपानाथ सिर्फ भारतवर्ष के ही राष्ट्रपति नहीं, अनेक अन्य देशों के भी राष्ट्रपति, राजदूत,
राजनयिक और देश का जो भी गुणीजन समाज है वो सब यहाँ पर उपस्थित होता है। मुझे तो कभी कभी मन में इतना आनंद होता है कि हमारे पूज्य मुनि जी महाराज ने, इन्हें पता नहीं कोई महात्मा ने आकर के कुछ ऐसी आज्ञा प्रदान करी या कोई इनको स्फूर्णा हुई या क्या हुआ। यह जो गंगा आरती का स्वरूप पूज्य महाराज जी ने प्रकट किया है, सच मानिए जब हम लोग गंगा आरती में परमार्थ के घाट पर स्वामी जी के सानिध्य में होते हैं तभी लगता है कि हाँ वास्तव में गंगा माँ प्रकट होकर के आरती स्वीकार कर रही है, हम लोगों को दर्शन दे रही है। और पूज्य महाराज जी जब गंगे माँ ऐसा संकीर्तन कराते हैं तो प्रत्यक्ष गंगा माँ जो सामने है वो गंगा माँ हृदय में होती है, ऐसा अनुभव सब लोगों को होता है। हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि ऐसी विश्व विभूति के सानिध्य में आज हम लोग अपने जीवन का ये दिव्य नववर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारी अध्यापिका जी कहती थी कि आज देखो साल का पहला दिन है, आज का दिन जैसा बीतेगा ऐसा तुम्हारा पूरा साल बीतेगा, इसलिए आज के दिन पढ़ाई कर लो। ऐसा अध्यापिका जी कहती थी कि शायद इस बहाने ये डपोल बच्चे पढ़ लेंगे। तो दो तीन घंटे तो पढ़ते थे कि नहीं भाई आज, अध्यापिका जी ने कहा कि आज पढ़ोगे तो पूरे साल पढ़ोगे। और अध्यापिका जी ने कहा आज अगर मेरी डांट खाओगे तो पूरे साल डांट खाओगे। तो इसलिए दो तीन घंटे तो अच्छे से पढ़ते थे फिर अपने ही स्वरूप में आ जाते थे। लेकिन वो ना समझी थी, अब तो समझदार हैं, अब तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हित किस में है। इसलिए आप सबको अत्यंत आनंद से मैं निवेदन करता हूँ कि आज हमारा वर्ष का पहला दिन ऐसी विश्व विभूति और ऐसी विश्व मंगलमय कथा के साथ प्रारंभ हो रहा है तो हमारा पूरा साल ऐसे ही निकलेगा, ऐसा ही हमें पूरे वर्ष भर लाभ प्राप्त होगा। पूज्य स्वामी जी की करुणा का क्या कहें। आप मंगलाचरण में ही पधार गए थे, मैं अपने इसी उसी में लगा रहा, आपको कष्ट हुआ श्रम हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यद्यपि आपका आपके हृदय की विशालता है वो आपकी सहजता है। कल भी अपने कक्ष से ठेठ बाहर तक आप मुझे पहुंचाने के लिए आए, मैं तो हृदय से कुछ उस समय कुछ कह नहीं पाया, लेकिन ये आपकी विशालता है, आपका बहुत बड़ापन है कि हम जैसे एक साधारण कथा सुनाने वाले को भी आप इतना सम्मान प्रदान करते हैं। और यहाँ यही साधु का स्वरूप होता है, अपनी वाणी से कम अपने आचरण से ज़्यादा सिखा देते हैं। इतने वरिष्ठ होते हुए भी, विभूति होते हुए भी आप छोटे से छोटे को भी इतना सम्मान प्रदान करते हैं, ये हम सब लोगों के लिए सीखने जैसी बात है, कल आपके दर्शन आशीर्वाद से मैं लाभान्वित हुआ, आज आप हम सब सामूहिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में भी मुनिश्री का हम लोगों को सानिध्य मिलता रहे। और ये भी शुभ संयोग है कि कथा के दिनों में आपका प्रवास इसी स्थान पर है तो हमको यदा कदा आपके सानिध्य का अमृतवाणी का भी लाभ मिलता रहेगा। करुणा निधान कृपानाथ,
पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम गंगा जी के किनारे बैठ कर के राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बार राम कथा यहीं परमार्थ के घाट पर करने के लिए आए थे, लेकिन माँ गंगा की विशालता, माँ गंगा जी इतनी उस समय उदार थी कि जहाँ बैठकर आप लोग कथा सुन रहे वहाँ गंगा जी थी। तो पूज्य महाराज जी की कृपा से फिर हम लोग थोड़ा उधर गए, पीछे गए और वहाँ राम कथा का आनंद लिया। बड़ी मन में इच्छा थी, सब कार्यकर्ताओं को हमने कहा भैया गंगा के घाट पर कथा कहनी है, गंगा के घाट पर कहनी है, पर गंगा जी आ गई यहाँ तो फिर अब कैसे कहा जाए। टेंट भी लग गया था, सब चीज हो गई थी, लेकिन आज के दिन ये सौभाग्य मिलना था, इसलिए हम लोग आज उस दिव्य लाभ को अनुभव कर रहे हैं, गंगा जी के किनारे बैठे हैं। और मैं तो सुबह से बस मेरी अध्यापिका जी की बात को ही सोच सोच के प्रसन्न हो रहा हूँ। मेरी मैडम कहती थी साल का पहला दिन जैसा बीतेगा वैसा पूरा साल बीतेगा, तो सुबह से मैं खुश हूँ कि देखो आज मेरा साल का पहला दिन ऋषिकेश में बीत रहा है, गंगा किनारे बीत रहा है, महाराज जी के सानिध्य में बीत रहा है, आप सबके प्रेम में बीत रहा है, इतने आनंद से बीत रहा है। और हम लोग कितने निश्चिंत बैठे हैं बताओ, न माताओं को भोजन की चिंता है, न भाइयों को व्यापार की चिंता है, कोई चिंता नहीं। आनंद से हमको रहने के लिए स्वामी जी ने इतने अच्छे अच्छे स्थान दे दिए हैं, सुंदर भोजन की व्यवस्था है, खूब प्रेम से पाइए, कथा सुनिए और गंगा के किनारे लहर लीजिए, और क्या। बस यहां ध्यान रखिए कि अब हमें हर दिन ऐसा ही बिताना है, हर दिन ऐसे ही बिताना है। यदि हमारे जीवन में प्रतिदिन सत्संग रहा, सुनिएगा कृपा, यदि हमारे जीवन में हर दिन सत्संग रहा तो ये निश्चित मानिए आपका हर दिन ऐसे ही बीतने वाला है। कृपानाथ, श्री शंकर भगवान ने कथा की तुलना गंगा जी के साथ करी है। यहां गंगा जी ऐसे आ रही है, महाराज जी भागीरथी गंगा ऐसे आ रही है, कथा गंगा ऐसे जा रही है। श्री शंकर भगवान सती महारानी से थोड़े नाराज थे, आप लोग कथा जानते होंगे शायद, शंकर भगवान और सती महारानी दोनों अगस्त मुनि के वहाँ कथा सुनने के लिए गए थे। तो वहाँ जब गए कथा सुनने तो जो कथा सुनाने वाले थे अगस्त मुनि, उन्होंने जो कथा सुनाने वाले थे अगस्त मुनि उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करी और फिर ऊपर बैठकर कथा सुनाई। तो सती महारानी ने कहा जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको क्या कथा सुनाएगा, जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमको क्या कथा सुनाएगा। इस कारण से वे सती महारानी जी ने कथा ध्यान से नहीं सुनी, और फिर उसके बाद में कथा ध्यान से नहीं सुनी, फिर उसके बाद में मार्ग में भगवान के दर्शन हुए तो वहां भी सती महारानी ने संशय किया कि ये कोई भगवान थोड़ी है, अपनी स्त्री के विरह में रो रहे, ये कोई भगवान थोड़ी हो सकते। ये भी शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। फिर सती महारानी राम जी की परीक्षा करने को गई, ध्यान से सुनिएगा, राम जी की परीक्षा करने को गई, वो भी शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा। और वापिस जब आई तो शंकर भगवान ने पूछा कैसे परीक्षा ली, बोले कुछ भी नहीं, जबकि परीक्षा ली थी लेकिन झूठ बोली कि मैंने कछु न परीक्षा ली इन गोसाई। वो भी शिव जी को अच्छा नहीं लगा कि ये झूठ बोल रही है। फिर उनके पिताजी के यहां पर यज्ञ था, वहां पर सब देवता जा रहे थे, तो सती महारानी ने कहा कि मेरे को भी जाना है,
तो शिव जी ने कहा अपने को निमंत्रण नहीं है, काय को जाना। तो भी वो नारायण मूड यूं कर लिए, जो महाराज जी कहते ना अपसेट, वैसे अपसेट हो गई कि जाने नहीं दे रहे पिताजी के यहाँ। तो फिर शंकर भगवान ने भेजा, वो भी गलत हुआ। तो इतनी सब भगवान शिव की इतने नाराज थे, इतने सारे कारण थे, सुनिए, इतने सारे कारण थे भैया भगवान शिव की नाराजगी के, लेकिन वो इतनी सारी नाराजगी सिर्फ इतनी सी बात पर खत्म हो गई जब श्री सती महारानी ने पार्वती जी के स्वरूप में शंकर भगवान से राम कथा पूछी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान एकदम प्रसन्न हो गए और कहते तेरे जैसा मेरे ऊपर उपकार करने वाला कोई नहीं। और शंकर भगवान कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनगंगा। तुमने जो राम जी की कथा का प्रसंग पूछा है, ये सबको पवित्र करने वाली गंगा के समान है। और देखो भैया, वैसे समझता हूं आप सब लोग गंगा जी में आज नहाए होंगे, जो न नहाया हो वो ईमानदारी से फिर नहा लेना, लेकिन नहाना जरूर। जितने लोग यहां पर बैठे हैं सबसे मेरी प्रार्थना है, सिर्फ बाल भोग राजभोग में ही हमारा न निकल जाए सब। जैसे हम नियमित नाश्ता करेंगे, जैसे हम नियमित भोजन करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, दोपहर में भी हो सकता है कुछ ना कुछ कराएं, तो जैसे हम यहां पर रहते हुए नियमित रूप से आहार करेंगे, ऐसे ही हम लोगों को नियमित रूप से गंगा स्नान भी करना है, गंगा स्नान भी करना है, गंगा स्नान भी करना। जिन्होंने नहीं किया ना वो ताली नहीं बजा रहे। कृपानाथ, किसी को लगता होगा कि अरे जल बहुत ठंडा है, नहाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, जल बहुत ठंडा है, ठंडी लग गई तो। आप विश्वास मानिए, मैं अभी अभी कल ही गीता वाटिका में कथा कह के आया हूं महाराज, गीता वाटिका जहां पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार विराजते थे, वहां पर मैंने पूज्य भाई जी का एक चित्र देखा जिसमें वे गंगा में नहा रहे थे, डुबकी लगाए ऐसे एकदम, और उसके नीचे लिखा था कि ये जो उस चित्र का परिचय लिखा था उसके नीचे थोड़ा वक्तव्य लिखा था कि पूज्य भाई जी की गंगा जी के प्रति, गंगा स्नान के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि जब उनको भयंकर बुखार था उस बुखार में भी उन्होंने गंगा स्नान का नियम नहीं छोड़ा, उस बुखार में भी हमको उन्होंने गंगा स्नान का नियम नहीं छोड़ा। हम लोगों को संभावना जैसी भी लगे तो भी हम कहते नहीं भाई, लग रहा है कि शायद आएगा इसलिए नहीं ना। इसलिए कृपानाथ, यहां पर रहते हुए प्रतिदिन गंगा स्नान करना है तो कदाचित किसी का स्वास्थ्य असहज हो, प्रतिकूल हो, तो वो गंगा जी के किनारे पर रह के भी गंगा जी का स्नान नहीं कर सकता। लेकिन श्री शंकर भगवान कहते हैं कि ये जो रघुनाथ जी की कथा है ये भी एक प्रकार की गंगा है। इसका मतलब आपको इस बात का लाभ नहीं उठाना है कि बस शंकर भगवान ने कहा कथा भी गंगा है, अरे वहां पर कोई नहाएगा आध घंटा नहाएगा, हम यहाँ चार चार घंटे नहाएंगे क्या है। कृपानाथ, कथा का स्वरूप बताया है शंकर भगवान ने,
ये गंगा जी के समान है। और देखिए गंगा जी में और कथा में एक बहुत अच्छी साम्यता, एक बहुत सुंदर साम्यता है। गंगा जी में और कथा में साम्यता ये है कि हिमालय पर्वत पर भी जब सूर्य का ताप बढ़ता है, सूर्य का ताप पड़ता है, तो उस सूर्य के ताप से जब वहां पिघलन होती है, गलन होती है, पिघलन होती है, तो उससे गंगा जी प्रवाहित होती है। ठीक कह रहा हूं ना महाराज जी? हिमालय पर्वत पर जब सूर्य का ताप बढ़ता है तब पिघलन होती है और फिर वह गंगा जी के रूप में प्रकट होती है। और कथा भी कैसे प्रकट होती है, हम लोगों की दशा देखकर किसी संत के मन में ताप होता है और उसका हृदय जब पिघलता है तो वो कथा गंगा के रूप में बहता है, कथा गंगा के रूप में बहता है। कथा गंगा के रूप में बहता है। कृपानाथ, ऐसी पवित्र पावनी गंगा मैया के तट पर हम लोग कथा का आस्वादन करेंगे। स्वामी जी को जितना आपको सहज हो, आप जबकि महाराज जी को और भी अनेक सेवा कार्यों को संपादित करना रहता है, इसलिए प्राणनाथ श्री राम कथा की एक विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक विशेष बात है, मुझे वो बहुत ही प्रिय लगती है वो बात। वो विशेष बात क्या है राम कथा की, विशेष बात राम कथा की ये है, संसार में कथाएं तो बहुत सारी है लेकिन महाराज जी उन कथाओं को सुनने से पाप मुक्त होता है आदमी, उन कथाओं को सुनने से पापों से मुक्ति होती है, ऐसा सब कथाओं का वो है। लेकिन संपूर्ण विश्व में राम कथा महाराज जी एक ऐसी है, आप सोच शायद कुछ रहे होंगे लेकिन मैं बताने जा रहा हूं, सब पुराणों में पढ़ा, इसको सुनने से पाप मुक्त होते हैं, इसको सुनने से पाप मुक्त होते हैं, इसको सुनने से पाप मुक्त होते हैं। लेकिन राम कथा के विषय में श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि जिनके पाप मुक्त हो जाते हैं वो राम कथा सुनते हैं। ये वाल्मीकि जी का वचन है। आप लोगों को कथा में टिकाए रखने के लिए मैं कुछ लोभ नहीं दे रहा हूं या आपकी वो नहीं कर रहा, ये वाल्मीकि जी के वाक्य है। जिनके पाप मुक्त हो जाते हैं, जिनके पाप छूट जाते हैं, उनके मन में संकल्प उठता है कि हम राम कथा सुने। मैं कल भी मेरे मन में था कि मैं आशीष भैया को पूछूं कि भाई सब लोग भागवत कराने की सोचते हैं, आपने राम कथा की क्या सोची? किसी के मन ऐसा नहीं कि राम कथा का महत्व नहीं है, महत्व तो है, लेकिन ज्यादातर सबके मन में यही रहता है कि भागवत कथा कराओ भाई, भागवत कथा कराओ, क्योंकि उससे मुक्ति होती है, उससे मुक्ति होती है। पर शायद लगता है कि मुक्ति इनकी हो चुकी है तो इसलिए अब राम कथा के माध्यम से अपने जीवन को बस प्रभु का, देखिए राम कथा एक ऐसी कथा है, इतनी सीख देती है, इतनी समझ देती है कि पूछिए मत, पूछिए मत। प्रसंग आएगा जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी विराजे इसलिए मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जब कोई विशिष्ट कोई बड़ा ग्राहक आता है ना तो व्यापारी फिर काउंटर से भी हटके जो अपना स्पेशल माल है वो निकालता है, भाई ये भी दिखा ये भी दिखा, तो इसलिए मैं भी थोड़ा। जब भगवान राम वन में जाते हैं, जब प्रभु राम वन में जाते हैं तो श्री सीता जी से कहते हैं कि अपने पास में कोई भी सामान हो, जो भी तुम्हारे पास हो वो सब यहां दे के चलना,
श्री जानकी जी ने कहा, भगवान क्या हम 14 वर्ष बाद लौटकर यहां नहीं आएंगे? क्या हम 14 वर्ष बाद लौटकर यहां नहीं आएंगे? बोले निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो जब निश्चित रूप से हम 14 वर्ष बाद लौटकर आएंगे तो फिर हमको हमारा सामान किसी को देने की कहां आवश्यकता? हम लौटकर आएंगे तो उसका फिर से व्यवहार करेंगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, हम वहां वन में पर्यटन के लिए नहीं जा रहे, हम वन में पर्यटन के लिए नहीं जा रहे, हम वन में संतों का सेवन करने के लिए जा रहे, संतों के श्रीमुख के वचन सुनने के लिए जा रहे, सत्संग करने के लिए जा रहे। अगर हमारा कुछ सामान यहां पर रहेगा तो यह निश्चित है कि वहां पर सुनते समय हमारा चिंतन उस सामान की तरफ जाएगा। इसलिए ऐसी कोई चीज घर पर छोड़कर नहीं जानी है, ऐसी कोई चीज अपनी घर पर छोड़कर नहीं जानी है कि जिसको हम वन में रहते हुए याद करें। वन में रहते हुए अवध याद आए तो अपने पिता दशरथ जी के कारण, वन में रहते हुए अयोध्या याद आए तो माँ कौशल्या के कारण, वन में रहते हुए अवध याद आए तो भैया भरत के कारण, वन में रहते हुए अवध याद आए तो सरयू के कारण। ऐसा नहीं हो कि वन में रहते हुए अवध को याद करें, अरे हमारे गहने वहीं पड़े हैं, अरे हमारा पलंग वहीं पर है, अरे मेरे कीमती वस्त्र वहीं पर है। अवध याद आए तो सरयू के कारण, दशरथ जी के कारण। इसलिए सब कुछ दे करके चले। ऐसी ऐसी सीख जो है महाराज जी, तीर्थ पर कैसे जाना, तीर्थ पर कैसे जाना। आप लोगों से ये आग्रह नहीं है कि आप भी भविष्य में कभी आए तो सब दे दुआ के आए, ऐसा मेरा आग्रह नहीं, लेकिन बता रहा हूं मैं कि श्री रघुनाथ जी कितनी दिव्य सोच के साथ चलते हैं। एक बहुत बढ़िया पलंग था, बहुत ही कीमती पलंग था, उसको भी श्री राम जी ने दिलवा दिया। वशिष्ठ जी का पुत्र राम जी का मित्र था, राम जी ने कहा ये उसको दे दो, वो आराम करेगा, इस पे दे दो उसको। कुछ भी नहीं रखा श्री राम जी ने, अवध जाते समय अपनी कोई वस्तु अवध में नहीं छोड़ी। कितने ही सारा सोचा, मेरा कुछ सामान रखा रहेगा तो मेरी माँ को उसे देख देख के मेरी स्मृति होगी, उनको और कष्ट होगा, इसलिए भी नहीं रखना, इसलिए भी नहीं रखना। और एक और बात, जब श्री रघुनाथ जी अवध से जा रहे तो उन्होंने सोचा, बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे, बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे, बहुत से ऐसे सेवक थे जो सिर्फ राम जी के ही आश्रित थे, जो सिर्फ राम जी से ही आश्रित थे, और उन्होंने उनका ऐसा संकल्प था कि हम राम के अतिरिक्त और किसी से लेंगे ही नहीं, हम राम के अतिरिक्त और किसी से कुछ लेंगे ही नहीं। तो श्री रघुनाथ जी ने सोचा, मेरे वन में जाने के बाद कहीं उनके पोषण में कोई कमी न रह जाए, उनके जीविका में, उनके जीवन संचालन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए भी उन्होंने अपना सारा जो सामान था वो सब उनको बांट दिया, सब कुछ उनको दे दिया। सोचिए, जिनके आचरण में इतनी गहराई है, जिनके आचरण में इतनी गहराई है, उनके जीवन की एक एक बात हमको क्या सीख देगी, क्या समझ देगी। हम कितना कर पाएंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम हमें एक विचार तो मिल ही जाएगा भाई, एक विचार तो हमें मिल ही जाएगा। जिस कोरोना काल की अभी बात हो रही थी, पूज्य स्वामी जी ने कहा कि कोरोना से अब करुणा में हम आ गए हैं, कथा में हम आ गए हैं। उस कोरोना काल में जिन लोगों के पास में विचार थे, जिन लोगों के पास में विचार थे, भैया वैक्सीनेशन ने शरीर को सुरक्षित किया लेकिन मन को थोड़ी सुरक्षित किया, तो शरीर को रोग से बचाने के लिए, शरीर को रोग से रोकने के लिए जैसे वैक्सीनेशन है, वैसे ही भैया मन को रोग के भय से मुक्त करने के लिए विचार है, और विचारों से ही हमारे मन भयमुक्त होते हैं। ऐसे काल में जहां सब बड़े से बड़े लोग सब दुबके हुए थे, ऐसे काल में भी हमारे स्वामी जी महाराज और आपके जैसे कई संत प्रत्यक्ष सेवा कार्यों में लगे हुए थे, प्रत्यक्ष सेवा कार्यों में लगे हुए थे।
उस समय इनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था, हो फिर भी बिना डर के लगे हुए थे। कौन सी ताकत थी? विचारों का बल था, सेवा का विचार, सबको आराम पहुंचाने का विचार, सबको स्वस्थ करने का विचार, करुणा निधान। इसलिए विचारों का बल बहुत बड़ा होता है, तो हमको कम से कम विचारों का बल मिलेगा, करुणा निधान। श्री राम कथा जो है, क्या कहें, व्यक्ति के स्वभाव को सुधारने वाली कथा है। राम कथा के महात्म्य में ऐसी कोई घटना नहीं आती कि आकाश से विमान आया और उसमें बैठ के चले गए, ऐसी कोई कथा नहीं आती। एक कथा आती है, सौदास नाम के एक ब्राह्मण थे, सुनिए जरा कृपा करके। सौदास नाम के एक ब्राह्मण थे, गौतम ऋषि के शिष्य थे, और गौतम ऋषि ने उनको शंकर भगवान की आराधना बताई। वो शंकर भगवान की आराधना करते, एक बार शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, खूब प्रेम से तन्मय होकर, भावमग्न होकर। उसी समय गौतम ऋषि आ गए, तो उस समय गौतम ऋषि आ गए तो भी वो जो सौदास थे उन्होंने सोचा कि अब मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूं और गुरु जी आ तो गए हैं, लेकिन ये मैं सोचता हूं कि बीच में उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, इसलिए क्यों न मैं ये करके फिर गुरुजी को प्रणाम कर लूंगा, पूजा का क्रम कर लेता हूं। गुरुजी भी तो समझते तो है ही है भाई चेला पूजा कर रहा है। यह सोच करके गुरु की उपस्थिति का आभास होने पर भी, जानकारी होने पर भी गुरु का सम्मान नहीं, कृपानाथ। लेकिन गुरुजी नाराज नहीं, गुरुजी ने बुरा नहीं माना, गौतम ऋषि ने बुरा नहीं माना। वे प्रसन्न होने लगे कि वाह देखो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसे तन्मयता से पूजन करना चाहिए, ऐसी तन्मयता से उपासना करनी चाहिए। मैं आया तो भी उसको कुछ खबर नहीं और वो इतना मगन होकर करता रहा। अब भैया हम जो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारे गुरुजी तो नहीं समझते, वो तो जो देख रहे हैं वही समझेंगे, लेकिन जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं वो तो हमारे हृदय में बैठे सब समझते हैं, भाई। शंकर भगवान ने कहा, अरे दंभी, तेरे गुरुदेव आए और तू ऐसे पूजा में बैठा रहा, तुझे गुरु का सत्कार करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। प्राणनाथ, गुरुजी नाराज नहीं हुए पर शंकर भगवान नाराज हो गए। शंकर भगवान नाराज हो गए, तूने गुरु का सम्मान क्यों नहीं? गौतम ऋषि ने कहा, भगवान शंकर भगवान प्रकट होकर नाराजगी बताई उस चेला को, सौदास तूने सम्मान क्यों नहीं किया गुरु जी का, तेरे गुरुदेव आए तो। उसने कहा, मैं पूजा पूरी करके करने ही वाला था। तो शंकर भगवान ने कहा, तेरी पूजा पूरी होने का मतलब क्या? बोले, बस ये मंत्र पूरा हो जाता, ये अर्चना पूरी हो जाती। शंकर भगवान ने कहा, अरे यदि मैं प्रकट हो जाता तो उसके बाद भी तू बिल्व पत्र चढ़ाता रहे? बोले, नहीं, फिर तो पूजा की आवश्यकता ही कहां रही, जब आप प्रकट हो गए तो। शंकर भगवान ने कहा, तू यही चूक गया, तेरे गुरु के रूप में कोई ऋषि आए ये तूने देखा, उनके रूप में मैं स्वयं आया हूं ये तूने नहीं देखा।
उनके रूप में मैं स्वयं आया हूं, ये तूने नहीं देखा। अरे तेरे गुरु आ गए, इसका मतलब तेरी उपासना सफल हो गई, फिर खंडित होने की तो बात ही नहीं है, फिर खंडित होने की तो बात ही नहीं है। मुझे क्रिकेट का अनुभव नहीं है, ना मैं खेलना जानता हूं, लेकिन कभी बचपन में मित्र कहते थे चल खेलते हैं, खेलते हैं। तो एक बार मेरी बैटिंग आई सबसे लास्ट में, और उस समय जीतने के लिए जो है वो 2 रन की जरूरत थी। तो मेरी बैटिंग आई, मैंने एक गेंद मारी तो गेंद थोड़ी दूर गई, तो 2 रन हो गए, तो जीत गए। मैंने कहा नहीं मेरे को खिलाओ तुम भाई। तो वो बोले कि अब जीत गए अब काय को। मैंने कहा लेकिन मेरी बैटिंग तो मैंने तो एक ही गेंद पे मारी, अभी तो 6 गेंदे होती और गेंद पे को मैं और मारूंगा। अरे बोले लेकिन अब मारने से मतलब कि अब तो जीत गए ना, अब बॉलिंग बैटिंग से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो भैया भले ही ओवर बाकी हो, भले ही ओवर बाकी हो, भले ही बैटिंग बाकी हो, लेकिन अगर हमने जीत का आंकड़ा पार कर लिया फिर ओवर बैटिंग की कोई महत्वता नहीं रह जाती है। ऐसे ही हम अनुष्ठान करें, कोई क्रम करें और उसमें हमारे गुरुजन आ जाएं, सतपुरुष आ जाएं, तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचता है। वो सफल हो गया, वो धन्य हो गया, वो सार्थक हो गया। तो शंकर भगवान ने कहा तूने सम्मान नहीं किया, जा राक्षस हो जा। गुरुजी ने कहा इसको माफ कर दो, गलती हो गई, बालक है। गुरु माँ होता है, माँ की तरह होते हैं भाई, लेते हैं पक्ष। इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई, इसके लिए कुछ कृपा करो आप, इसको कुछ इसके श्राप का इसके कष्ट का कुछ समाधान दो। तो शंकर भगवान ने कहा जिस दिन इसको राम कथा सुनने को मिल जाएगी इसका श्राप दूर हो जाएगा। और उसके बाद से वो सौदास जो है राक्षस हो गए। अब राक्षस हो गए का मतलब ये नहीं है कि उनके सींग निकल आए, तीखे तीखे दांत हो गए, या ऐसे काले कलूटे ऐसे एकदम जैसा भूत प्रेतों का राक्षसों का अपन देखते हैं। कृपानाथ उनकी प्रकृति राक्षसमयी हो गई, उनकी प्रकृति राक्षसमयी हो गई, उनकी प्रकृति ऐसी दानव जैसी हो गई। अब वो जंगल में घूमते, सब लोग उनसे डरते। भैया बड़े बड़े ऋषियों को जो वहां से निकलते उनको ऐसे ही पकड़ पकड़ के मार डालते, ऐसे ही बस। तो वो जिस रास्ते पर वो रहते सौदास राक्षस बने हुए, उस रास्ते पर कोई जाता नहीं था, उस रास्ते पर कोई जाता नहीं था भाई, उस रास्ते पर उस मार्ग पर कोई जाता नहीं था। एक दिन एक ब्राह्मण देवता जो है उसी रास्ते पर निकल पड़े। उनको नहीं पता था कि यहां पर यह खतरा है, वो निकल पड़े। अब वो सौदास दूर से बैठा देख रहा था, उसने कहा कि ये कौन आ रहा है, किसकी हिम्मत हो गई आने की, मेरे भय से इस मार्ग से कोई नहीं गुजरता, इसको किए कि कौन आ रहा है, इसकी कैसे हिम्मत हो गई यहां आने की, अभी इसको दंड देता हूं, अभी इसको समाप्त करता हूं, इसकी मृत्यु इसको यहां लाई है, ऐसा सोच करके। और वो सौदास राक्षस बना हुआ उसके सामने, उन ब्राह्मण के सामने गया, लेकिन उनके नजदीक ही नहीं पहुंच सका, उनसे 10 फुट दूर उसको रुकना पड़ा, उनसे 10 फुट दूर उनको रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा जी, किस चीज ने रोक दिया उस सौदास को? सबसे पहले तो सौदास की ये उत्सुकता थी कि इसको डर क्यों नहीं लग रहा मेरा, इसको मेरा डर क्यों नहीं लग रहा। तो वहां जाने पर उन्होंने देखा कि डर इसलिए नहीं लग रहा है, डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो ब्राह्मण आ रहा है ये श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय
जय जय राम, इसके मुख में राम नाम है, जय राम जय जय राम, श्री राम है राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 जो ब्राह्मण आ रहे हैं उन ब्राह्मण का स्वरूप सुनिए। वहनम गंगा जलम स्कंधे, कंधे पर गंगा जल है, ये भी गंगा जल है। वहनम गंगा जलम स्कंधे, स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम। देखिए कितनी विशेष बात है, कंधे पर गंगा जल है और मन में चाव क्या है, विश्वनाथ भगवान को चढ़ाना, शंकर भगवान को चढ़ाना, और मुंह से क्या कर रहे हैं, वहनम गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम, गायन नामा निरामस्य है, गायन नामा निरामस्य समायातोति हर्षितम्। श्री राम जय राम जय जय राम, कितनी विशेष बात है, कितनी सुंदर बात है, ओ ब्राह्मण देवता की कितनी सुंदर झांकी। मैंने कोई फोटो खिंचाने के लिए नहीं रखा है कंधे पर, ये कोई पोज देने के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है और संयोग से है भी। तो ब्राह्मण देवता ने कंधे पर तो लिया है गंगा जल और मन में भाव है कि ये मुझे भगवान शिव को अर्पण करना है, और मुख से राम नाम ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करना चाहिए, करना ही चाहिए, इसमें कोई वो गलत नहीं कहते पंडित जी, लेकिन नमः शिवाय नमः शिवाय ये हमें प्रिय है, नमः शिवाय नमः शिवाय ये हमें प्रिय है, लेकिन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये शिवजी को प्रिय है। अभी अपने ऊपर है कि हम अपने को पसंद है वो दें या उनको पसंद है वो दें। कुछ लोगों का भाव रहता है कि जो हमें पसंद है वो, और कुछ लोगों का भाव रहता है जो उन्हें पसंद है वो, तो ये आपके ऊपर है। आप अपनी पसंद का करना चाहें तो नमः शिवाय करना, और शिव की पसंद का करना चाहे तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
गंगा जल को भी साधारण मत समझिएगा, ये इतनी प्रचुर मात्रा में है, ये इतनी प्रचुर मात्रा में है, इसका मतलब हम ये ना सोच लें कि ठीक है पानी है। कई लोगों को गंगा जी में नहाने का कहते, बोले नल में भी तो वो ही आ रहा है, नल में भी तो वही आ रहा है, सब जगह वही तो पानी आ रहा है। भैया कोई व्यवस्था है जिसके कारण आ रहा है, लेकिन उसके कारण हमारी दृष्टि में गंगा जी का महात्म कम हो जाए तो हमसे अभागा कोई नहीं होगा। गंगा लहरी में एक श्लोक है, उस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है, सुनिएगा। राजा की रानियां नहाने को आती हैं, राजा की रानियां नहाने को आती हैं, और राजा की रानियां चंदन लगाती हैं, राजा की रानियां चंदन लगाती हैं, अपने हृदय पर भी लगाती है, माथे पर भी लगाती है, और जब नहाने आती तो वो चंदन पानी में गंगा जी में घुल जाता है। उस चंदन में वे रानियां जो हैं कस्तूरी मिलाती हैं। क्या मिलाती है बोलिए ना, और वो कस्तूरी कहां से प्राप्त होती है बताइए ना, हिरण से। कस्तूरी प्राप्त होती है हिरण से, और वो कस्तूरी वो मिलाती है चंदन में, और वो चंदन लगाती है अपने हृदय पर, और वो चंदन लगे हुए जब वो स्नान करती है तो वो चंदन गंगा जी में मिल जाता है। वो चंदन गंगा जी में जब मिल जाता है तो उस चंदन में जिन हरिणों की कस्तूरी काम में आई है वो हरिण मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। ऐसा हमारी गंगा जी का स्वरूप। इसलिए गंगा जी को साधारण नहीं समझ लीजिएगा आप, मेहरबानी करिएगा। ये मनोरंजन करने वाली नदी नहीं है भैया कि पति पत्नी दोनों उतर जाए पानी में छपाके करते रहे से चपक 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 चपक। पावन तुझे, पावन तुझे, पावन तुझे जी। सुनिए, यहां पर हमारे श्री ठाकुर जी के भी बहुत प्रेमी हैं। ऐसे तो राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनका श्री ठाकुर जी की लीलाओं में विशेष प्रेम है, विशेष भाव है। तो उस ध्यान से सुनो, उनके लिए एक कथा है स्पेशल, बहुत बढ़िया। एक बार श्री ठाकुर जी रास कर रहे थे, तो श्री ठाकुर जी रास कर रहे थे तो किसी ने कहा कि शंकर भगवान बहुत सुंदर गाते, जब वो इतना सुंदर गाते हैं, जब वो इतना मधुर गाते हैं, इतना प्रिय गाते हैं, तो उनको जरूर बुलाओ और उनसे गायन हो, वो सुंदर गायन करें, वो सुंदर गायन करें। तो ठाकुर जी ने कहा, मेरा कहना मानो, अभी भी हम उनके गायन को सह नहीं पाएंगे, हम उनके गायन को सह नहीं पाएंगे। प्रिया जी ने कहा, नहीं, मेरा मनोरथ है कि एक बार शंकर भगवान गाएं और हम रास में नृत्य करें। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, ठीक है आपकी इच्छा। शंकर भगवान को निवेदन किया,
अब शंकर भगवान का सौभाग्य, शंकर भगवान तो वैसे भी छुप कर आते थे रास का दर्शन करने के लिए गोपी बनकर, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए। तो शंकर भगवान ने कहा आज तो एकदम ऑफिशियली निमंत्रण आया, एकदम निमंत्रण आया, तो अब छुप कर जाने की जरूरत नहीं, अब तो सीधे जाएंगे। और श्री शंकर भगवान आए और भगवान शिव ने गायन किया। अब उन्होंने क्या गाया सो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर गायन किया जी, इतना सुंदर गायन किया, इतना सुंदर गाए हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ। लोग सोचते हैं ये तो बागंबर पहनते हैं, जटाएं हैं, गले में सांप है, इनको क्या आता होगा, ये क्या जानते होंगे, इनको क्या सोचता होगा, इनको क्या समझता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे बाबा सब काम में कुशल हैं। तो ऐसा गाया शंकर भगवान ने, वैष्णवों भगवान राधा कृष्ण जो थे वो नृत्य करते करते पिघल गए, प्रिया प्रीतम दोनों पिघल गए जी, पिघल गए। न कोई मोर मुकुट रहा, न कोई पीतांबर रहा, न कोई अधर, न कोई हस्तकमल, बह गए, जल रूप हो गए, पिघल गए। ऐसा सुंदर गाया हमारे शिव जी ने। और शंकर भगवान का गायन पूरा हुआ और फिर सबने नेत्र खोले तो देखें तो भैया सब मौजूद है, पर जिनके लिए ये हो रहा था वो नजर नहीं आ रहे, वो कहां हैं। तब श्री ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू ऊपर किया और कहा वो यहां है। बोले यहां कैसे हैं वो? बोले शंकर भगवान ने ऐसा दिव्य गायन किया कि प्रिया प्रीतम जलरूप हो गए, द्रविभूत हो गए, और मैंने वो जल अपने कमंडलू में रखा है। ओहो, सबने विनती की महाराज हमने पीतांबर युक्त राधा कृष्ण के दर्शन किए हैं, मोर पंख युक्त राधा कृष्ण के दर्शन किए, चुनरी युक्त राधा कृष्ण के दर्शन किए, आप हमको जलमय राधा कृष्ण का दर्शन कराओ। और ब्रह्मा जी ने वो कमंडलू में से जल प्रवाहित किया और जो श्री प्रिया प्रीतम जल रूप हो गए थे वही जल भैया ये गंगा जी है, वही जल ये गंगा जी है। इसलिए गंगा जी के जो नाम है वो गंगा जी के नाम में एक नाम है श्री राधा कृष्णांग संभूता, ये गंगा जी का नाम है श्री राधा कृष्णांग संभूता, राधा कृष्णांग संभूता, श्री राधा कृष्णांग संभूता। तो भैया इसलिए पंडित जी जा रहे थे, कंधे पर गंगा जल और हृदय में शंकर भगवान को अर्पण करने का भाव और मुख से श्री राम जय राम ऐसा कीर्तन करते हुए जा रहे। तो वो जो सौदास था राक्षस के रूप में, उसने कहा कि यही इसकी निर्भयता का कारण है, इसके मुख में जो राम नाम है वही निर्भयता का कारण। हम लोगों को भी जब डर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं जरा बताओ, बोलिए ना। नवरात्रि का व्रत चल रहा है लगता है आपका, सुबह से ही कमजोरी आनी शुरू हो गई है, 9 दिन कैसे बिताएंगे, जैसे ही डर लगता है मुख से अरे राम 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 राम। अब भगत कोई भले ही ठाकुर जी का हो चाहे किसी का भी हो, डर लगते ही तुरंत अरे राम राम राम। कृपानाथ, हम लोगों को कभी कभार डर लगता है तो हम राम राम करते, लेकिन डर जाता नहीं हम लोगों का फिर भी, क्योंकि ऐसे ही करते दिल से राम राम करे तो काय को डर लगे। और राम नाम पे विश्वास भी होना चाहिए भाई, राम नाम पे यकीन भी होना चाहिए, राम राम करें लेकिन यकीन ना हो तो, हालांकि बिना यकीन के भी लिया हुआ व्यर्थ तो नहीं है,
पूज्य भाई जी का कहा हुआ वाक्य है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का, कि अगर मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, बिना भाव के नाम लेने से कोई फायदा नहीं होता, ये सोचकर भगवान का नाम नहीं लेना अपने गले पर छुरी चलाने जैसा है। इसलिए बिना भाव के भी, बिना मन के भी नाम तो लेना ही चाहिए। तो वो सौदास राक्षस को समझ में आ गया कि ये पंडित जी जो निर्भय हैं, इसका एक ही कारण है, इनके पास में राम नाम है। और उसको तुरंत याद आ गई कि मेरा कल्याण भी तो गुरुजी ने बताया था राम कथा से ही होगा। तो उसने पंडित जी को कहा, हे पंडित जी, यहाँ से न तो कोई पंडित गुजरता है, न कोई ऋषि मुनि गुजरते, न कोई और गुजरते हैं, आप पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर खूब आनंद से आ गए हैं, अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मुझे राम कथा सुनाइए, आप मुझे राम कथा सुनाइए, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, जरूर सुना दूंगा भाई, बोलो कहाँ बैठ के सुनोगे। अब सोचे जगह ढूंढने जाए कहाँ जाए, बोले यहीं सुन लेंगे, यहीं सुना दो। और पंडित जी ने उनको राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। कृपानाथ राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। और ध्यान देने वाली बात है, सुनिएगा जरा, उनको कथा सुनाई तो इथ युक्त्वा कथयामास रामायण कथां मुनि कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्। राक्षसत्वमपाकृतम्, कथा सुनने से उनका राक्षसत्व दूर हो गया। देखिए, एक होता है भैया जी ब्राह्मण, एक होता है ब्राह्मणत्व, एक होता है ऋषि, दूसरा होता है ऋषित्व। ब्राह्मण हो पर ब्राह्मणत्व न हो तो फिर वो ब्राह्मण कोई काम का नहीं, ऋषि हो पर ऋषित्व नहीं हो तो वो कोई काम का नहीं। तो भैया, तो ब्राह्मणत्व क्या होता है? ब्राह्मण के लिए करने योग्य जो कर्म है उसको करके, करने वाला जो, उसको करने से जो तत्व प्राप्त होता है वो ब्राह्मणत्व है। ऋषि जीवन में जो करने योग्य है, जो श्रेष्ठ आचरण है, वो करने से जो तत्व प्राप्त होता है वो होता है, सकल की बात नहीं होती भैया। तो ऐसे ही भैया, मैंने पहले ही कहा कि ये जो सौदास थे ये कोई सकल के राक्षस नहीं थे, ये स्वभाव के राक्षस थे, इनमें राक्षसत्व था। बुरा नहीं मानिएगा, वो राक्षसत्व आज भी कई लोगों में है, और सकल से तो वो बहुत बढ़िया दिखते हैं। बुरा ना माने, खैर आप लोग को बुरा मानेंगे, आप लोगों से संबंधित ये बात है नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनमें, जिनका स्वरूप नहीं है वो, उनके बड़े बड़े सींग नहीं है, बड़े बड़े दांत नहीं है, लेकिन वृत्ति वैसी है, इसलिए वो राक्षसत्व उनमें है। तो भैया, राम कथा को सुनने से उनका राक्षसत्व दूर हो गया, स्वभाव में जो बुराई थी वो खत्म हो गई। और भैया, वैक्सीनेशन गारंटी ले कि नहीं ले मुझे नहीं मालूम, लेकिन राम कथा से प्राप्त होने वाले विचारों को यदि आपने ग्रहण किया तो मैं गारंटी लेता हूं आपका स्वभाव सुधर जाएगा। जिनके स्वभाव में जो कुछ भी ऊपर नीचे बात है वो सब ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी लेता। लोगों ने दो दो सुइयां लगाई, वैक्सीन लगाई, और एक ही बार डॉक्टर से पूछते, अब तो
कोरोना नहीं होगा ना, अब तो कोरोना नहीं होगा ना, और इतने में भैया जिन्होंने लगाई उनको होने लग गए, और तो और जिन डॉक्टरों ने सबसे पहले लगाई उनको भी हो गया, कईयों को दो दो बार हो गया, जिनको दूसरी बार हुआ वो बड़े चिंतित हुए, ये दूसरी बार क्यों, अरे भाई पहली बार में आप पसंद आए इसलिए दोबारा मिलने आया है। कृपानाथ, वो वैक्सीन कितनी गारंटी लेती मुझे नहीं मालूम, लेकिन कथा के विचार गारंटी लेते हैं आपका स्वभाव सुधर जाएगा। और मैं तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हूं कि आपको अभी 12:15 हैं, 12 बजे के बाद ही फर्क समझने लग जाए। आप सब देखना अभी आज सब बदले बदले से होंगे, या कईयों की पत्नियां आई होंगी, कईयों के पति होंगे ही, आप आपस में नोट करना एक दूसरे को, आप जो हमेशा वाले होते हैं उससे कुछ बदले बदले होंगे, कुछ बदले बदले होंगे, एकदम गारंटी से कहता हूं। देखिए आपके बोलने का स्वर बदला होगा, आपका उठना बैठना, कई सारी चीजों में बहुत कुछ सरकार बदले बदले नजर आएंगे, 9 दिन में तो बहुत बदल जाएंगे, 9 दिन में तो बहुत बदल जाएंगे। तो भैया भगवान की कथा ऐसी है, तो उनका जो राक्षसत्व है वो छूट गया, वो राक्षसत्व छूट गया। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ भैया, बाउंसर जी बैठने दो, बैठने दो, कोई बात नहीं, आप भी अपना कल्याण कर लो, बैठो, सुनो माता जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ आप, हाँ काली सलवा वो ये वाली माई बैठ जा, तू तेरे लिए तो बोले हम फिर जा पीछे बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, सुनिए सहज रहिए, जो स्थान है जो आके बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे, आप बैठिए कथा सुनिए। सुनो भैया, राम कथा से वो सौदास जी का राक्षसत्व दूर हो गया। हम लोगों में राक्षस जैसी तो कोई बातें हैं नहीं, भले कहीं किसी ने किसी को कह दिया होगा तो पता नहीं, कोई ऐसे ही गाली गलौच में कोई बोल दे कि तो क्या है राक्षस है, ऐसे कब कुछ हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन एक विनोद की बात याद आ गई। एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि तुम पति क्या हो, जानवर हो जानवर। लेकिन पति के चेहरे पर एकदम मुस्कान, एकदम प्रसन्नता। पत्नी बोली, मैंने तुमको गाली दी, तुम काय को ऐसे प्रसन्न हो रहे हो। बोले, गाली कहाँ है, तुमने एकदम सही बात कही, तुमने कहा तुम जानवर हो, तो तुम मेरी जान और मैं तुम्हारा वर हूं, इसलिए हो गया जानवर। तो भाई ऐसे कोई किसी को बोले हो तो पता नहीं, लेकिन हम राक्षस जैसे तो नहीं, ना तो हम राक्षसों वाला खान पान है, ना राक्षसों की तरह किसी का विवाह हुआ है, ना राक्षसों के जैसा कोई रहन सहन है, इसलिए भैया। लेकिन राक्षस जैसे घुसते हैं वैसे वैसे कुछ लक्षण हम लोगों में प्रकट होते दिखते हैं। राक्षस कैसे घुसते हैं, 3 जगहों से राक्षस घुसते हैं भैया जी। एक मुंह के रास्ते राक्षस घुसते हैं, जब हमारा खान पान बिगड़ता है तो फिर वो राक्षसत्व मुंह के रास्ते अंदर जा रहा है। जब हमारा सुनना बिगड़ता है, जो न सुनना वैसा हम लोग सुनने लग जाते हैं, तो फिर राक्षस यहां से अपना असर डालते हैं। और तीसरी आंख, जो न देखना ऐसा हम देखने लग जाते हैं, तो आंख के रास्ते फिर राक्षसपना भीतर जाता है। इसलिए भैया भगवान की कथा है ना, ये सब अच्छा काम कर देती है। कान से सुनते हैं कथा तो यहां भी रोक लग जाती है,
मुंह से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। अब कम से कम यहां जितने दिन रहेंगे उतने दिन तो भगवान का प्रसाद ही पाएंगे। और मेरी प्रार्थना भी है आप लोगों को कि आप लोग रोज यहाँ पर जितने दिन यहाँ पर भोजन बनता है, एक तो भोजन गंगा जल में बनवाइए। भोजन जो है वो गंगा जल में बनवाइए। और दूसरा, जब भोजन बन जाता है तो ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। और ठाकुर जी को भोग जो है वो इसमें मत लगाना, वो प्लास्टिक वाली थाली में जो पूजा में ले ली है, वो पत्तल होता है ना, पत्तल दोने ले लेना, क्योंकि अन्य कोई धातु की यहाँ पर हो ना हो, पत्तल पवित्र होती है, उसको थोड़ा जल से प्रोक्षण करके और उसमें जो भी रसोई बने वो रसोई जो है श्री ठाकुर जी के भोग लगाने का। और एक थाली गंगा जी को भोग लगाने का, एक थाली गंगा जी को भोग लगाने का, एक जना परिवार का कोई सदस्य, ऐसे नहीं कि कोई नौकरों के हाथों भेज दे, हालांकि आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन एक सावधानी की दृष्टि से भाई, कभी भविष्य में भी ये कथा कोई और सुने तो उसके ध्यान में आए ये बात, इसलिए बोलता हूं। ऐसे नहीं कि कोई रामू को कह दिया जा रामू गंगा जी को भोग लगाया, नहीं, परिवार में किसी एक सदस्य की ये जिम्मेदारी दीजिए कि भोग बनते ही तुमको गंगा जी को भोग लगाने के लिए ले जाना, और वो पत्तल में डाल करके और यहाँ गंगा जी के किनारे लाएं और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि आप इसको ग्रहण करें। और फिर दो एक मिनट वहाँ खड़े खड़े गंगा जी का ध्यान करें, भगवान का नाम ले, और फिर उसके बाद में वो थाली जो है लेकर के गंगा के किनारे, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लगे कि जिसने शायद भोजन नहीं किया होगा या जिसको भोजन की आवश्यकता है या जिसको देने से ये पूरा भोजन कर लेगा, उसको आप वो वहीं पर दे दीजिएगा। और जो ठाकुर जी को भोग लगाया है वो वापिस अपने रसोई घर में जो जो चीज बनी है उसमें सब में मिला दीजिएगा। तो जितने दिन सब लोग यहाँ पर रहेंगे सबको भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद पाने को मिलेगा। और सब लोगों को इतना जरूर ध्यान रखना है कि झूठा नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस गंगा जल में बन रहा है, ठाकुर जी को भोग लग रहा है, फिर उसके बाद में यदि हम लोग झूठा छोड़ेंगे तो बहुत अपराध लगेगा। हो सकता कईयों की आदत हो छोड़ने की कि पूरा खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये कैसे भुक्कड़ हैं, थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन भैया ये महाप्रसाद हो जाएगा, फिर उसको झूठा छोड़ना ठीक बात नहीं। इसलिए कृपानाथ, झूठा न छोड़ा जाए और सब ग्रहण करें, ऐसी एक बात। तो स्वभाव भैया सुधर जाता है भगवान की कथा से। ये जो भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा स्वभाव को सुधारने वाली है, ये भगवान की कथा स्वभाव को सुधारने वाली है जी। इसीलिए हम लोग राम कथा का आश्रय करते हैं। अब भैया सुनने के लिए कई सारे मास हैं, लेकिन चैत्र मास की जो है वो विशेष महिमा है। चैत्र मास की विशेष महिमा है, और चैत्र मास की क्या महिमा है सुनिएगा। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है चैत्र मास के समय, चैत्र मास के समय में राम कथा श्रवण के महात्म का। कृपानाथ, एक ये कलयुग की ही घटना है,
एक कलिक नाम का व्याध, एक कलिक नाम का व्याध रहता था। भैया इनको आसन पर बिठा दो ना, माता जी को। नारायण नारायण नारायण। सुनिए कृपानाथ, सुनिए कृपानाथ। तो कलिक नाम का जो है वो व्याध रहता था, कलिक नाम का व्याध रहता था। वो उसका स्वभाव क्या था, उस कलिक नाम के व्याध का स्वभाव था, पराया धन पराई स्त्री उनका अपहरण करता था और हमेशा यही उसका काम था। किसी का भी धन हो वो उसको लेने में चूकता नहीं था। एक नगर था, बड़ा सुंदर नगर था, वहां पर राम जी का मंदिर था, सुंदर राम जी का मंदिर था। तो बड़े ठाट बाट से राम जी के मंदिर में सेवा होती थी। तो उसने अपने मन में सोचा कि इस मंदिर में चोरी करते हैं यहाँ अपने को खूब धन मिलेगा, यहाँ चोरी करने के बाद में फिर हमको और कहीं चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो वहाँ पर मंदिर में गया। कृपानाथ वो वहां पर चोरी करने गया। वहां पर एक उतंग नाम के महात्मा थे, उतंग नाम के, वो वहां पर ध्यान कर रहे थे, भजन में लगे थे। चोर ने सोचा ये कहीं मेरी चोरी में बाधा न डाले, तो वो उनको मारने के लिए गया कि पहले इनको मारूं ताकि ये मेरे रास्ते में तक बाधा न पहुंचाए। तो महात्मा जी को मारने के लिए उसका उनका गला पकड़ लिया महात्मा जी का। तो महात्मा जी ने कहा भाई तुझे मेरे से क्या कष्ट है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ऐसा कर रहा है। अरे भाई मैं मेरा नाम जप कर रहा हूं, भजन साधन कर रहा हूं, तू क्यों मेरा विरोध करता है। उसने कहा कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मुझे डर लगता है कहीं आप मेरे चोरी में बाधक न बन जाओ। महात्मा जी ने कहा कि भाई मैं क्या कहूँ, मैं क्या बाधा बनूंगा, तेरे तो तेरे कर्म ही बाधा बने हुए हैं, जिनके लिए तू ये सब चोरी चकारी कर रहा है वो सब क्या तेरे काम आने वाले हैं। मेरे को मार दे, ले जा धन लेके चला जा, पर वो धन क्या काम आएगा तेरे। जमदूत पकड़ के ले जाएंगे, बड़ी भयंकर यातनाएं देंगे, क्या सुख मिलेगा। वो घबरा, उसको ऐसा वर्णन किया महात्मा ने नरक यातना का, जीव के कष्ट का, वो घबराने लग गया और कहने लगा महाराज मैंने पूर्व जन्म में पाप किए, उस पाप के कारण तो अब मैं व्याघ्र बना हूं ये, और अब और पाप कर रहा हूं तो आगे भी पता नहीं क्या होगी। महाराज अब मेरे ऊपर कृपा करो आप, कैसे ही करके मेरा कल्याण हो जाए मुझे बताइए, मेरे संसार में जो मेरे दुख हैं इन दुखों का नाश हो जाए। यस्मात् संसार दुखानां नाशोपायम भिप्ससी। महाराज मैं ये संसार के दुखों को दूर करना चाहता हूं। कृपानाथ, तब श्री उतंक मुनि ने कहा
कि तुम चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नहवाना किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम्। कृपानाथ और श्री उत्तंक मुनि ने इसी चैत्र मास में जो है उनको राम कथा सुनाई, जिस चैत्र मास में हम सुन रहे हैं। तो भैया जैसे उस व्याघ्र का आचरण सुधर गया, उसका स्वभाव सुधर गया, ऐसे ही भैया इस चैत्र मास में हम लोग भी राम कथा सुन रहे हैं, तो हम लोगों के भी जीवन में ये लाभ नजर आवे। करुणा निधान अब कथा कैसे सुननी ये सुन लीजिए। देखो भाई, पहले ही दिन कोई राम लक्ष्मण नहीं आ जाएंगे। हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे अभी तक कुछ बताया नहीं, राम जी कैसे जन्मे, लक्ष्मण जी क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये पहले दिन ये सब नहीं आ जाए। पहला दिन जो होता है कथा का, वो महात्म का होता है, कथा की महिमा बताने का होता है। इसलिए मैं भी आपको महात्म निवेदन कर रहा हूं भाई। तो श्री राम कथा का सबसे पहला क्या है नियम भैया, क्या क्या कथा की विधि में सबसे पहली विधि क्या है? अहो भीर नव भी श्राव्यम रामायण कथा मृतम। सब लोग तैयारी में लगे, राम कथा की तैयारी कर रहे हैं भाई। बेंगलोर से भी तैयारी होती रही, हमारे कोटा से भी राम कथा की तैयारी होती रही, और भी अनेक अनेक स्थानों से होती रही। कहीं से कोई सामान जुटाया गया, कहीं से कोई चीज, कहीं से कोई व्यक्ति, कहीं से कोई व्यवस्था, ऐसे ऐसे सब, वो बहुत सुंदर है। लेकिन सबसे प्रथम तैयारी क्या होनी चाहिए वो सुनिए, रामायण क्या कहती है वो ये है। क्या है? अहो भीर नव भी श्राव्यम रामायण कथा मृतम। सबसे पहली तैयारी ये है भैया कि हम लोग संकल्प करें कि हम 9 दिन राम कथा सुनेंगे, हम 9 दिन राम कथा सुनेंगे। ये संकल्प सबसे पहली तैयारी, ये संकल्प सबसे पहली तैयारी। कई लोग तो संकल्प ये करते, कई लोग भाई हम तो काम में रहेंगे, भाई हमको कहाँ सुनने को मिलेगा, हम तो काम में रहेंगे, हम तो काम में रहेंगे। अरे भैया तुम काम में रहोगे तो और पहले किस में थे? पहले भी तो काम में ही थे, और कथा के बाद कहाँ जाओगे? कथा के बाद भी तो काम में ही जाओगे। अरे बड़ी मुश्किल से तो 9 दिन आए हैं, इसमें भी सुन करके नहीं, काम में ही रहेंगे, काम में रहेंगे तो वाह भाई। हमारे जोधपुर में हमारे महाराज जी हैं, श्री राम प्रसाद जी महाराज जी, वो कहते हैं आगे धंधो लारे धंधो। थोड़ा शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, आगे धंधो लारे धंधो सुबह धंधो श्याम रा धंधो, और उन धंधारे बीच में भजन करे वो ही राम जी रो बंदो। सुबह धंधा शाम को धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, उस धंधे के बीच में जो भजन करे वो ही राम जी का बंदा, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो कृपानाथ, इसलिए सबसे पहली तैयारी जो है वो है भैया हम 9 दिनों तक भगवान की अमृतमयी कथा सुनेंगे, ऐसा संकल्प करे। और फिर उसके बाद में राम जी से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? अद्य प्रवृत्यहम राम शृणोमि त्वत्कथामृतम्।
प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादत। राम जी से प्रार्थना करे उसके बाद कि हे राम जी, मैंने संकल्प तो किया कि मैं 9 दिन तक कथा सुनूंगा, लेकिन मेरे संकल्प करने से कुछ होता हो तो बताइए, मेरे संकल्प करने से कुछ होता हो तो बताइए। अगर ये मेरा संकल्प पूरा होगा तो आपकी कृपा से होगा, यदि आप कृपा करेंगे तो मैं खूब आनंद से 9 दिन तक आपकी कथा सुनूंगा, इसलिए आप मेरे ऊपर खूब कृपा करना, आप मेरे ऊपर खूब कृपा करना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। कृपानाथ, और करुणा निधान, शुक्लांबर धरम शुद्धो ग्रहमागत्य वाग्यत, स्वयं च बंधुभि सार्धं शृणुयात पयतेन्द्रिय। अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के कथा सुने, अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर कथा सुने। मेरे भाई बहन, भाई बंधुओं को साथ लेकर के कथा इसलिए सुनना ताकि जब आपके क्योंकि कथा के जो विचार हैं वो सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, मंगलमय बनाने वाले हैं। हम हमारी कमाई को तो सब लोगों में नहीं बांट सकते, भाई, जो अपने बेटे हैं उन्हीं को देंगे या जो कोई और ऐसा कुछ हो, हम अपनी कमाई सब में नहीं बांट सकते। लेकिन ये हमारी भक्ति कमाई है, ये भाग की कमाई नहीं है भैया। कथा हमारे भाग से मिली ऐसा नहीं, कथा भाग की कमाई नहीं है, कथा भक्ति से कमाई। आप जो जिस परिवार को कथा में निमित्त बनने का अवसर मिला है, अथवा जो लोग भी श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं, वो सब ध्यान से सुने, कोई ना कोई आपकी भक्ति फलीभूत हुई है, उसकी कमाई के रूप में आपको कथा प्राप्त हो रही है। ये भाग की कमाई से नहीं मिली है, ये भक्ति की कमाई से मिली है। आपने जो भक्ति कमाई है, आपने अथवा आपके बड़ों ने, आपके पूर्वजों ने जो भक्ति की कमाई करी है, उसके फल में ये मिली। FD होती ना, FD फिक्स डिपॉजिट। मैंने ऐसा सुना है कि रकम जमा करा देते हैं तो फिर जैसे किसी को अपने बेटी के बच्चों का मायरा भरना है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई जब हम हमारे बेटी के बच्चे बड़े होंगे तब पता नहीं हमारी कैसी स्थिति रहेगी, रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो उनके जन्म के साथ ही कुछ रुपया जमा करा देते हैं कि ये इनके नाम की FD। तो फिर जब उनकी शादी होगी तब तक बहुत अच्छी रकम हो जाएगी, वो उनको फिर एक साथ मिल जाएगी। तो बस इसी प्रकार मेरे भाई बहन, कोई ना कोई हमारे परिवार में, हमारे जीवन के लिए किसी ने ऐसी भक्ति फिक्स डिपॉजिट करी, जो FD आज भुगतान हुई और हम लोगों को कथा सुनने के लिए मिल रही है। इसलिए ये भाग की कमाई नहीं है, ये भक्ति की कमाई है भैया, ये भक्ति की कमाई है भाई। और भैया देखो, इतनी बढ़िया बात लिखी है भैया, जो बात हम लोगों के लिए आराम से घटित हो रही है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि 3 चीजों का साथ होना चाहिए, 3 चीजों का साथ होना चाहिए। 3 चीजों का क्या क्या साथ होना चाहिए, तो वे कहते हैं, रामायण परो नित्यम। रामायण का पाठ, रामायण परो नित्यम, गंगा स्नान परायण, धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवन संचय।
तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए, क्या? बोले एक तो रामायण का पाठ करे, दूसरा गंगा स्नान करे और तीसरा राम जी की कथा सुने। अगर ये तीनों हैं तो समझिए अब कोई बाकी नहीं बची है, कोई चीज बाकी नहीं रही जीवन में। अब भगवान ने कितनी मेहरबानी करी है कि अपने तीनों चीजों की संधि बता, और कैसे कृपा करे। लोग कहते भगवान सुनता नहीं सुनता नहीं, इतना तो सुन लेता है, अब हम नहीं करें तो फिर अपनी बात। लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता हमारा कल्याण कैसे हो। कई लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम तो पापी पेट में लगे हैं। कोई कि हम तो, हमारे तो भाई गृहस्थ में पाप कर्म हो जाते, हम तो पापी जीव हैं। ये भी लोग कहते हैं, अरे भैया सब हो गई अपनी बड़बड़ाहट, अब तो मौका आ गया है खुद को धर्मात्मा बनाने का। राम कथा, रामायण पाठ और गंगा स्नान, तीनों की जुक्ति है। अब भी नहीं कल्याण करो तो भैया क्या कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, करुणा निधान, और कुछ भी नहीं चाहते, बस इतना करो, गंगा स्नान, कथा सुनो और रामायण का पाठ। रामायण जी का भी पाठ यहां पर नित्य प्रति होने वाला है भाई, रोज दोपहर में 2 बजे से यहां रामचरितमानस का नवाहन पारायण पाठ भी होगा। कथा तो आप लोग सब सुन ही रहे हैं और सुननी है जी, लेकिन साथ में जिन भक्तों के मन में ये भाव हो कि हम पारायण भी करें तो वो भी 2 बजे से यहाँ इसी जगह बैठ करके पारायण का भी लाभ ले सकते हैं। करुणा निधान रामायण से प्राप्त जो भक्ति है, रामायण से जो भक्ति मिलती है, राम कथा सुन के जो भक्ति उत्पन्न होगी, राम कथा सुनकर जो प्रेम बढ़ेगा, राम कथा से जो भाव बढ़ेगा, उसका बड़ा जोरदार महात्म लिखा है। क्या महात्म लिखा है? कृपानाथ सहस्त्रकुल संयुते। पहली बार हमने तो ये भाव दर्शन किया है, आपने जो संपत्ति कमाई है, आपने जो संपत्ति कमाई है, ये संपत्ति कब तक चलेगी भैया? कितने साल चलेगी बताओ? 25 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, और तो क्या, इससे ज्यादा तो राजे महाराजाओं की नहीं चली भाई, तो अपनी क्या चल जाएगी बताओ? उनके किले देखो खंडर हो गए, कितना सोच करके बनाया उन्होंने कि किले के पीछे हमारा नाम रहेगा, हवेली के पीछे हमारा नाम रहेगा, पर चमगादड़ घर बना रहे हैं हवेलियों में, उल्टी लटकी हैं बेचारी चमगादड़ें, कबूतरों का शौचालय बना हुआ है, वो जा रहा आराम से वहां जाके अपना नित्य क्रम करते हैं। किले खंडर बने तो हमारी क्या चलेगी? वो ही नहीं चले इतने मजबूत, तो अपना क्या, अपना फ्लैट कब तक कायम रहेगा, अपना प्लॉट कब तक कायम रहेगा, अपना बंगला कब तक कायम रहेगा? भैया जो आपने अपनी कमाई से, सुनो भैया ध्यान दे करके, आपने जो अपनी कमाई की है उस कमाई से जो आपको आमदनी हुई है वो 50 साल 100 साल से ज्यादा चलेगी नहीं? अरे भैया हमारे प्रधानमंत्री जी का मन आ गया, कोई उनको कुछ सुधार करना रहा, कल को वो कह देंगे कि अब ये नहीं चलेंगे तो बैठ रहो। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले घटना घटी ना, कोरोना को लेके बैठे, वो ही सदमा बहुत भारी था, एकदम से सब अविचलित, कल से ये काम नहीं आएंगे, बाप रे फिर क्या, कहां जाएंगे? तो काम नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे? क्या भूचाल आया था देश में, ओहो अब क्या करें। खैर छोड़ो, मैं आपको वो याद नहीं दिलाना चाहता, किसी का उसमें कोई गम होगा तो फिर कहेंगे कि ये याद नहीं। लेकिन भैया तो सोचिए भैया, तो जो हमने कमाया है
वो इतने सालों में नष्ट हो जाने वाला, कुछ काम आने वाला नहीं है। लेकिन हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि राम कथा से जो भक्ति कमाएंगे, राम कथा जो सुनेंगे, राम भक्ति कमाएंगे, राम कथा जो सुनेंगे, तो सहस्त्र कुल संयुक्त जो कमाई आप करेंगे कथा से, जो भक्ति कमाएंगे, वो महाराज कितने साल की बात छोड़ो, 1000 पीढ़ी तक काम आएगी महाराज, 1000 पीढ़ी तक चलेगी। तो ये जो राम भक्ति आज आप लोगों के दिल में पैदा हुई कि आप गंगा किनारे राम कथा के लिए बैठे हैं, ये भक्ति आपकी है कि आपके 100 पीढ़ी पहले की है, 50 पीढ़ी पहले की, ये नहीं कुछ कह सकते। और आप जो अभी कमा रहे हैं भैया, ये आपकी 1000 पीढ़ी तक जाने वाली चीज है। इसलिए भैया ये मत सोचिए कि कथा सुनी, 9 दिन सुनी और यहीं की यहीं हो गई पूरी, अब क्या बचा। नहीं, अब शुरू हुआ है। जो परमाणु आपको मिल रहे हैं कथा के माध्यम से, ये परमाणु आपकी बहुत बड़ी पूंजी हो गई है, बहुत बड़ी पूंजी हो गई है। क्या कारण है भैया, हमारे में गलत आदतें भी हैं, गलत दोष भी हैं, सब चीजें हैं, लेकिन कई बार कुछ गलत काम करने से पहले अपने आप हाथों में कंपन होने लग जाता है, कुछ गड़बड़ बोलने से पहले अपने आप जीभ लड़खड़ाने लगती, हम बोल नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। ये वही भक्ति की कमाई जो हमारे पूर्वज कर गए, वो आड़े आ जाती, वो हमारे हाथ बांध लेती, हमको रोक लेती। 1000 पीढ़ियों तक भक्ति कैसे काम आएगी, ऐसे काम आएगी। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके बच्चों के काम आएगी ये सोचकर आप जितनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं, भाई हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, सब यही तो कहते हैं, अपने बच्चों के लिए काम आएगी ये सोचकर जिस ईमानदारी से व्यापार करते हैं, उसी ईमानदारी से कथा भी सुनो भाई। ये तुम्हारे बच्चों के नहीं, तुम्हारे बच्चों के 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 भी काम आएगी भाई। ये कहाँ तक, कितने कितने बच्चों के काम आएगी, ये नहीं कह सकते। ऐसी है भैया राम कथा की महिमा, ऐसी है राम कथा की महिमा, ऐसी है राम कथा की महिमा। करुणा निधान, करुणा निधान, बहुत महत्व है भैया राम कथा का, बहुत महत्व है। मैं कहां तक कहूं, कहां तक कहूं मैं राम कथा का महत्व, कहां तक कहूं। कृपानाथ, राम कथा का के प्रारंभ में, राम कथा के प्रारंभ में राम जी का गुणगान है भैया, राम जी का गुणगान है। किस मुंह से राम जी का गुणगान करें, क्या कहें, जिनके नाम में इतना आराम है, बताओ, जिनके नाम में इतना आराम है। आज भी हम जब थके हुए होते हैं, श्रमित होते हैं, तो बैठते समय क्या बोलते हैं, हरे राम, बताओ, हे राम। आज भी जो नाम आराम देता है, तो जिसका नाम आराम देता है उसकी कथा कितना आराम देगी। और जो जिसका नाम आराम दे रहा है उसका जीवन कैसा रहा होगा। और आप सुनो भैया, जिसका नाम आराम दे रहा है उसके जीवन में कोई आराम नहीं रहा भैया। प्रभु राम के प्राकट्य से लेकर के और भगवान राम साकेत पधारे तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जिस दिन श्री राम जी एकदम संडे मनाए हो। आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए कि एक भी छुट्टी नहीं लेते। अरे भाई,
राम जी को देखो आप, श्री राम जी ने एक भी क्या कहा भैया, कम से कम किसी दिन सोते तो होंगे वो अच्छे से, उनको इतना तो समय मिल जाता है भाई, अपने व्यवस्थित कपड़े तो पहन लेते हैं, इतना तो उनको हो जाता है कि भाई उनको वो अपने अनुकूल आहार तो कर लेते हैं, इतना तो हो जाता है कि जहां पर जाना है वहां व्यवस्थित साधन से पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे राम जी कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन बीच भूमि कोमल पदगामी, जंगल की जमीन जो है बहुत ही कठोर है और राम जी के जो चरण हैं वो अत्यधिक कोमल हैं, और ऐसे कोमल चरणों से श्री राम जी वन में घूम रहे हैं। भैया जरा सोचिए, और ऐसे घूम रहे हैं भगवान राम जी के चरण कितने कोमल हैं, इस पर एक बड़ी अच्छी कथा आती है, सुनिएगा जरा। जब सीता जी आई ना ससुराल पहली बार, तो उनकी सासुओं ने सोचा भाई कुछ विशेष करना चाहिए, बहू का स्वागत कुछ विशेष करना चाहिए। आज भी करती होंगी सासुएं बहू का विशेष स्वागत, बोले तो स्पेशल वेलकम, कुछ बंधनवार लगाती होंगी, कुछ और भी क्या क्या करती होंगी मालूम नहीं मुझे तो, लेकिन करती ही होंगी। उन्होंने भी सोचा जब राम की माँ सोच सकती है तो आपकी माँ क्यों नहीं सोच सकती, तो सोचा। एक सासू जी ने इतनी भारी आरती सजाई बहू के स्वागत में, पूछो मत भाई, दिए, जैसे गंगा जी की आरती में देखे ना आपने, दीपक ही दिव्य, ये तो छोटी है वो बहुत बड़ी थी। मोहल्ले के लोग कहने लगे कि देखो सासू हो तो ऐसी, कितनी बड़ी आरती सजाई है बहू के स्वागत में, पूछो ही मत भाई, ऐसा प्रेम नहीं देखा बहू में। एक पड़ोसन जो उससे जलती थी वो बोले हैं सब ढोंग है, कैसा प्रेम है मुझे सब मालूम है, तो क्यों सजाई इतनी बड़ी आरती तू बता दे कमला की माँ। तो वो बोली ये इतनी बड़ी आरती इसलिए सजाई है कि इसको सूझता कम है, तो इतनी बड़ी आरती इसलिए सजाई है ताकि इस आरती के बहाने बहू के गहने देख लेगी, कौन कौन सा गहना ये पहन के आई है, फिर मुझे कौन सा देती है कौन सा नहीं देती है, ये ऐसी चालाक है। तो भैया लेकिन आपके ऐसा नहीं हुआ होगा, ये तो मैंने एक ऐसी बात बताई आपको। प्रभो सासू के मन में रहता है भाई, तो राम की माँ के मन में आया स्वागत हो, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सोचा कि जानकी बहुत सुकुमार है, तो वो जब चलेगी तो कहीं उसके पांव में कष्ट ना हो, इसलिए कमल का पराग जानते होंगे आप, कमल का जो फूल होता है उसके बीच में गोल गोल होता है एक, उसके ऊपर कुछ पीले 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 दाने होते हैं, उसी को पराग बोलते हैं, वो मंगाया। आप सोचो कितने कमल के फूल लगे होंगे, और दरवाजे से लेकर के जहां श्री जानकी जी को विराजमान करना था वहां तक पराग बिछाया, एकदम अलग से स्पेशल वेलकम।
अब सीता जी पालकी से उतरी और कौशल्या जी ने हाथ पकड़ा और उतारा उतारा। बाकी के दिनों में सासू जी का व्यवहार कैसा रहता बहू के साथ पता नहीं, बाकी उस दिन तो बहुत ही गजबीज रहता है, बिल्कुल लक्ष्मी जी जा रही है। ओहो क्या तो पांव की छाप लेना और क्या, आओ अरे आराम करो, अरे परेशान मत करो है? घर में और कोई स्त्रियां या कोई जाके बहू से बात करे या वो करे तो सासू सबको कहती अरे सब जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो, बहू को परेशान मत करो, अरे थकी हुई आई, अरे आराम करने दो, ये करने दो। बहू भी सोचती कि वाह अब क्या कहना है, यहाँ तो अपनी मौज ही मौज है, सासू जी को इतनी चिंता है। अब ये अलग बात है, थोड़े समय बाद में फिर वही करने लग जाती है परेशान। तब फिर बहू बेचारी सोचती कि लो उस समय तो कोई और करता था तो उनको मना करती, बहू को परेशान मत करो, इनको कौन कहे। खैर मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ जी, आप तो बहुत भाग्यशाली बहुएं हैं जो कौशल्या जैसी सासुएं मिली हैं आपको। बढ़िया सास नहीं होती तो यहाँ थोड़ी होते आप लोग, नहीं तो कहती नौरते हैं घरे बैठो, नवरात्रि कहीं नहीं जाना। सुनो भैया, अरे गणगौर भी तो आने वाली है ना, मुझे याद दिलाइएगा। हो आप कहोगे कि आपको क्या करना याद करने के, अरे मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जी, इसलिए गणगौर की एक कथा सुनाऊंगा आपको। तो भैया सासू जी ने श्री जानकी जी की, जो सासू माँ कौशल्या जी ने पराग बिछाया ठेठ अंदर तक पराग बिछाया और सीता जी उसके ऊपर चरण रख के आगे बढ़ती हैं। तो भैया उनके मन में आई कौशल्या जी के, जरा मैं देखूं तो सही इनको कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो चेहरा देखा सीता जी का, तो चेहरा देखा तो सीता जी के चेहरे पे कुछ कुछ पसीना सा था। तो कौशल्या जी ने पूछा बेटी क्या हो गया। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं बताओ क्या हो गया। तो सीता जी ने कहा माँ ये पराग पांव में चुभ रहा है। बाप रे, कौशल्या जी सोचने लगी ये चुभ रहा है, अब क्या करूं, अब मैं कैसे स्वागत करूं। तो फिर श्री कौशल्या जी ने वेरी स्पेशल वेलकम किया। अब आप पूछो कि वेरी स्पेशल वेलकम क्या किया होगा, फिर ये तो वेलकम अच्छा नहीं हुआ, सीता जी के चुभने लगा, तब फिर विशेष स्वागत फिर कैसे किया होगा, पूछो पूछो ना भाई, कैसे किया लो बताओ, कैसे किया जी, ऐसे पूछो। वो ऐसे किया जी कि जब कौशल्या जी ने देखा कि मैंने इतना पराग बिछवाया और वो इनके चरणों में चुभ रहा है, तब पराग से कोमल तो कुछ होता ही नहीं है, फिर मैं कैसे करूं। तो फिर भैया श्री कौशल्या जी ने सीता जी को गोदी में ही उठा लिया कि अब तो भैया मैं इसको गोद में ही लेकर के जाऊं। तो सीता जी को गोदी में लेकर के फिर भीतर लेके गई। अब ये सुनाने के पीछे भाव यही है भैया, जो सीता जी के चरणों में पराग भी छुपता था, वो सीता जी राम जी के जब चरण दबाती हैं तो डरते डरते हाथ लगाती कि कहीं मेरे छूने से राम जी के पांव में खरोंच ना आ जाए। तब आप कल्पना करो कि राम जी के चरण कितने कोमल हो, राम जी के चरण कितने कोमल हो, और वे कोमल चरणों से जंगल में जो भटकते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं भैया। तो उनके नाम से हम आराम पाते हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आराम नहीं किया। जिन हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई संपत्ति पर हम लोग आराम करते हैं, उनके दी हुई संपत्ति पर हम आराम करते, लेकिन जब उनकी जिंदगी देखी जाए तो उनको कहाँ आराम था। भैया ऐसा ही है,
ऐसे जो प्रभु राम हैं भैया, उनकी मंगलमय गुण गाथा गाने के लिए हम लोग बैठे हैं। और हम लोगों का परम 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 सौभाग्य है कि उनके राज्याभिषेक की तिथि से लेकर के और उनके जन्म तिथि तक अपनी कथा है। वैसे तो हिसाब से तो लगता है कि उल्टी कथा शुरू करनी चाहिए, ताकि राज्याभिषेक के दिन ही राज्याभिषेक का प्रसंग हो जावे और जन्मदिन के दिन ही जन्म हो जाए। लेकिन ऐसा अपन नहीं कर सकते, अपन को क्रम से ही चलना होगा। लेकिन भैया ये बहुत भाग्य की बात है कि जिस चैत्र सुदी नवमी तिथि के लिए पूरा देव समूह तरसता है कि हमें यह राम नवमी मिल जाए, हमें ये राम नवमी का उत्सव मिल जाए, हमें राम जी के प्राकट्य का सौभाग्य मिल जाए, वो राम जी के उत्सव का सौभाग्य, राम नवमी का सौभाग्य हमें गंगा जी के किनारे मिल रहा है। चैत सुदी नौमी तिथि और रघुनंदन जी, और रघुनंदन जी प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी, प्रगट्या है राम कृपाल। प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी, प्रगट्या है राम कृपाल राघव। शिव ब्रह्मा इंद्रादिक रघुनंदन जी, ओ रघुनंदन जी स्तुति करे रसा करे रसा राघव जी। प्रेममयी प्रकृति हुई हो रघुनंदन जी, हो रघुनंदन आनंद छायो अपार राघव जी, आनंद छायो से पुष्प अपार राघव जी, पर से पुष्प अपार राघव। अरे धन्य महोत्सव आज रो रे रघुनंदन जी, ओ रघुनंदन जी वाणी से वरण्यो न जा है राम कृपाल राघव जी, प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी। अरे प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी, प्रगट्या है राम कृपाल राघव जी। भगवान भगवान लियो रे अवतार बाजा बाज रया, अरे राजा दशरथ रे दरबार बाजा बाज रया, राजा दशरथ रे दरबार बाजा बाज रया।
बाज रया आई चैत महीना में बहार बाजा बाज रया भगवान लियो रे अवतार बाजा बाज रया भगवान लियो रे जग रो उपकार बाजा बाज रया यो सब जग रो उपकार बाजा बाज रया आया निरखण ने नर नार बाजा बाज रया आया निरखण ने नर नार बाजा बाज रया अरे धरती पर छाई बहार बाजा बाज रया धरती पर छाई बहार बाजा बाज रया देखो गंगा किनारे बहार बाजा बाज रया देखो गंगा किनारे बहार बाजा बाज रया चैत सुदी नौमी रघुनंदन जी रघुनंदन जी प्रगट्या राम कृपाल राघव 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 जी राम कृपाल अरे चैत सुदी नामी तिथि रघुनंदन जी हो रघुनंदन जी जी प्रगट्या राम कृपाल राघव जी प्रगट्या राम कृपानाथ तो कुछ देर और बैठ जाइए बस। इस प्रकार श्री राम जी के प्राकट्य की राम जी के राज तिलक की ऐसी मंगलमय तिथि हम लोगों को मिली है। भैया सबसे पहले सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। फिर गणेश जी को भी प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो इनके बिना अंतकरण में बैठे हुए भगवान दिख नहीं सकते। शिव जी की कृपा हो पार्वती जी की कृपा हो तो अंतकरण में स्थित ईश्वर को हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन मैं आपको विनती करना चाहता हूँ जीवन में श्रद्धा हो और विश्वास हो। शिव जी की पार्वती जी की कृपा हो तो हम अंतकरण में बैठे हुए ईश्वर को देख सकते हैं। लेकिन जीवन में श्रद्धा रूपी पार्वती जी हो और विश्वास रूपी शंकर भगवान हो तो हम भगवान को अंतकरण में बिठा सकते हैं। मेरे भाई बहन हम भगवान को अंतकरण में बिठा सकते हैं। गुरु के रूप में शंकर भगवान को याद किया है तुलसीदास जी ने और फिर उसके बाद में वे
दो महापुरुषों की वंदना करते हैं। इन दो की वंदना के साथ हम भी आज के कथा सत्र को विराम की ओर ले जाएंगे। किन दो को वो प्रणाम कर रहे हैं? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणों, दोनों ऐसे हैं जो बगीचे में ही घूमते रहते हैं। अब भैया ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, वो तो दिन भर बगीचे में ही बैठे रहते हैं। कृपानाथ, पर ये तो कौन है जो ऐसे, ये कौन है जो दिन भर बगीचे में ही बैठे रहते हैं? अजी, दिन भर बगीचे में बैठे रहते इससे पहले ये भी तो जानो कि वो बगीचा है कौन सा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, श्री सीताराम जी के गुणगान का बगीचा है और उसमें जो हमेशा बैठे रहते ऐसे कौन है? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, एक तो वाल्मीकि जी और एक हनुमान जी महाराज, ये दोनों हमेशा सीताराम जी के गुणगान में ही मगन रहते हैं। तो इन दोनों की कृपा से हम लोग नव दिवसीय राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम सत्र, श्री राम कथा का कुछ महात्म आप लोगों के आगे कहा और कुछ अन्यान्य भाव जो भी समय अनुसार श्री ठाकुर जी ने प्रेरणा दी आप सबसे कहा। अब बाकी का आगे का जो प्रसंग है वो कथा स्वरूप में कल प्रातःकाल 9 बजे से कहा जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है गंगा स्नान आदि करके और आप लोग 9 बजे तक कथा सुनने के लिए पधार जाएं, बाल भोग आदि भी समय अनुसार कर लें और 9 बजे कथा सुनने के लिए पधार जाएं। कई लोगों के व्रत आदि का होगा, किसी के कुछ नियम आदि भी होगा। मेरी इतनी प्रार्थना है कि ऐसा कोई नियम मत लेना कि जिसके चलते आपका कथा में मन ही ना लगे। और इतने ज़्यादा फिर आराम में भी मत रहना कि कथा में आने का समय ना मिले। तो भैया सब लोग प्रेम से कथा सुने और लाभ लेवें। और 2 बजे से रामचरितमानस का पारायण होगा। वृंदावन के निवासी संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके श्रीमुख से मुख्य पारायण होगा और बाकी हम लोग साथ में बैठ कर के उसका आस्वादन कर सकेंगे। जिन भी भक्तों को लाभ लेना हो रामायण जी की पुस्तक अपने साथ में लेकर के यहाँ पर उपस्थित होवें, और यहाँ सहज हुई तो यहाँ भी व्यवस्था कर देंगे, पुस्तक की है सबको दी हुई है, तो सबको पारायण की पुस्तक दी हुई है, सब लोग जरूर लाभ लें। 2 बजे से लगभग 5 अथवा 5:30 बजे तक पारायण चलेगा। जिन लोगों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, पूरे पारायण का लाभ लेना चाहिए, पर कदाचित मान लो पूरे पारायण में न बैठ सकें तो बाद में 1 घंटा भी बैठें, 2 घंटा बैठें, आरती के समय उपस्थित हों, इस प्रकार का सद्भाव रखना चाहिए। ये आप सबसे प्रार्थना है। अब थोड़ी देर नाम संकीर्तन करके फिर हम लोग आरती करेंगे। सब पधारे हुए भक्तों से ही प्रार्थना है, कोई झूठा नहीं छोड़ेंगे और नियमित रूप से गंगा जी का स्नान करेंगे, संध्या में आरती का लाभ लेंगे, प्रेम से कथा में पधारेंगे सभी लोग। आइए। आ जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
मन मुकुर सुधा वर नौ रघुवर विमल जसो गायक बलचा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर विक्रम बजरंगी गोपति निवार सुमति के अंजन वरण विराज दुबेदा कानन कुंडल गुंजित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काजे कूट जने ओटा शंकर चुवन केसरी नंदन तेज राम मान कवन विद्यावान गुणि अति चातुर राम चरित्र सुनि मे गो रसिया राम लखन सीतावन वचि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि नंदन राम भीम रूप धरि असुर संहारे राम जनकहि काज संवार साय धरि मन लखन धियाए श्री रघुवीर रघुपति कीनि बहुत बड़ाए तुम मम गुण पर तरि तम पा रस बदन तुम रोज लगावे असुर पद खंडन राम कालिक ब्रह्मादि मुनिदार तारत दैव जम वेर दिग पाल जहाते कवि को दिल कै सकेगा तुम उपकार सुग्रीव की ना राम निराय राज बलि तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जगना जुग सहस्त जो जन परवानो लीलो तारि मधुर फल प्रभु मौलिका मेलि मुख माही जल दिला दि गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम ले काम दुवारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा विवे सब जुग रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काऊ को आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक राख दे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम ना से रोग रे सब पीरा जब निरंतर अनुबंध संकट से हनुमान दुरावे राम तपस्वी राजा तेरे कारण सकल को और मनोरथ जो कोई लावे सोई अंधी बल बल चारो जुग प्रताप तुम्हारा जय पर सिद्ध करो साधु संत के तुम रखवारे अनुर राम दुआर कष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर की गजान की राम रसायन तुम्हारे पासा सदा गौ रघुपति के बात तुम्हारे भजन राम जी को पावे अंत काल रघुवर गुर जाई जा जन्म निवर्त काल और देवता चितल धरई हनुमत सही गर्व संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुखे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव जो जो वार पाठ कर कोई छूटे बंदी बांध दो पढ़े हनुमान चालीसा हो सीता की तुलसी दास सदा हरि चेरा की जय नानक संकट हरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर राम जनपद नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सियमीति आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मा निक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुशारद पर न पवन
सुत कीरति नीकी आरति श्री रामायण की गावत वेद पुराणयस्त दस सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सब रस सारंस संत सब ही की आरती श्री संत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषुणी गरुड़ के आरती श्री हरणि विषय रस पीकी सुबह श्रृंगार मुक्ति युवती दल रोग भव मुनियमी तात मात सब विज तुलसी आरती श्री रत कली आरती श्री वचन प्रभु दीन श्री राम।